हेलो एवरीबॉडी, अ वेरी 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 सुपर गुड 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 आफ्टरनून, अ वार्म वार्म वेलकम सभी बच्चों का आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है. अ वेरी 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 ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल गुड 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 इवनिंग एवरीबॉडी. आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है. अ वार्म 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 वेलकम एंड वेलकम टू द क्लास एवरीबडी एवरीबडी. अ वेरी 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 ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द क्लास. आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एंड आई वेलकम यू ऑल एवरी वन ब्यूटिफुल 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 गुड आफ्टरनून. और जितने भी बच्चे इस क्लास को बाद में रिकॉर्डेड देखने वाले हैं, बेटा जी जिस भी समय आप इस क्लास को देखें उस हिसाब से गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग. जिस भी समय पे आप आगे से फ्यूचर में देखेंगे उस हिसाब से आपका स्वागत है. ओके, तो जनरल क्लॉजेस एक्ट काफी बच्चे मुझसे काफी टाइम से डिमांड कर रहे थे कि मैडम इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स करा दो, जो हमने अपनी प्रीवियस क्लास में किया अदर लॉज का. फिर बच्चों की बहुत डिमांड थी कि मैडम अदर लॉज के अंदर जनरल क्लॉजेस रिवाइज करवा दो. तो आज बारी है जनरल क्लॉजेस एक्ट की. जब हम जनरल क्लॉजेस एक्ट को क्या करेंगे, बेहतरीन तरीके से रिवाइज करने वाले हैं आज के सेशन में. तो ये सारा का सारा जो भी चीज हम पढ़ेंगे ये एप्लीकेबल नवंबर के एग्जाम्स के लिए भी है, और जो भी बच्चे May 24 में भी अपना एग्जाम्स देंगे उनके लिए भी ये एक्ट एप्लीकेबल है. इस वीडियो को आप रेफर कर सकते हैं फॉर योर रिविजन्स. ऑलराइट बेटा, वेलकम वेलकम वेलकम. हैप्पी नवरात्रि हैप्पी नवरात्रि. आ जाएंगे आज की क्लास में. ओके ओके ओके. कैशु एम के मैम, चैप्टर 4 हो गया क्या? हाँ जी हो गया बेटा, इसी चैनल पे अपलोडेड है शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर. चैप्टर 4 भी हो गया. चलिए जी, ऑल राइट एवरीबडी, तो आ जाएंगे आज की क्लास में और हम शुरुआत करते हैं जनरल क्लॉजेस एक्ट की. सारे बच्चे से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि बच्चों आप लोग सबका कॉन्सेंट्रेशन 100% किस पे होना चाहिए, स्क्रीन पे होना चाहिए, और सब बच्चे एकदम ध्यान से सुनेंगे, कॉन्सेंट्रेशन के साथ सुनेंगे, तो आपके लिए ये सेशन यूजफुल रहेगा बहुत ज्यादा. चलिए लेट्स गेट द सेशन रोलिंग एंड लेट्स गेट द सेशन स्टार्टेड. ऑलराइट, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल क्लॉजेस एक्ट. क्या एक्ट है ये मैडम, ये एक्ट क्यों आया, क्या एक्ट है? तो बेटा जनरल क्लॉजेस एक्ट जो है ना, जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897, ये जनरल क्लॉजेस एक्ट एक तरीके से डिक्शनरी बोल सकते हो आप. इट्स डिक्शनरी ऑफ ऑल सेंट्रल एक्ट्स, डिक्शनरी ऑफ सेंट्रल एक्ट्स. जनरल क्लॉजेस एक्ट सेंट्रल एक्ट्स के लिए क्या है, डिक्शनरी है. मतलब जनरल क्लॉजेस एक्ट लॉ ऑफ ऑल द लॉज. जनरल क्लॉजेस एक्ट इज लॉ ऑफ ऑल द लॉज. मैडम मतलब इसका आप क्या कह रही हो, जनरल क्लॉजेस एक्ट लॉ है, सारे लॉज का लॉ है, ये सारे सेंट्रल एक्ट्स की, सेंट्रल एक्ट्स की क्या है, डिक्शनरी है. जनरल क्लॉजेस एक्ट सेंट्रल एक्ट्स के लिए डिक्शनरी है. मैडम मतलब लॉ ऑफ ऑल द लॉज से आपका मतलब क्या है, मुझे एक बात बताओ. आप इतने सारे सेंट्रल एक्ट्स आपके फाउंडेशन में आपने पढ़े, आपने पढ़ा द पार्टनरशिप एक्ट 1932, आपने पढ़ा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, आप इनकम टैक्स एक्ट पढ़ते हैं, आप द कंपनीज एक्ट को पढ़ते हैं, आप अपने सिलेबस में जीएसटी एक्ट भी पढ़ रहे हैं, आपने फाउंडेशन में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी पढ़ा है. ये सारे जो एक्ट्स हैं, इन एक्ट्स में जो वर्ड्स डिफाइंड नहीं है, ये सारे एक्ट्स में जो वर्ड्स या जो टर्म्स डिफाइंड नहीं है, जो वर्ड्स जो भी टर्म्स डिफाइंड नहीं है, आप कहां से देखते हैं उनका मतलब, आप जनरल क्लॉजेस एक्ट में देखते हैं. मतलब ये सारे एक्ट्स जब आप पढ़ते हो, इन एक्ट्स में जो वर्ड्स का मतलब नहीं दिया हुआ, इन एक्ट्स में जो स्टेटमेंट्स नहीं दिए हुए, इन एक्ट्स में जो टर्म्स डिफाइंड नहीं है, तो आप इंटरप्रिटेशन के लिए इन एक्ट्स को समझने में आप कौन से एक्ट्स को देखते हो, जनरल क्लॉजेस एक्ट को. मतलब इन एक्ट्स में जो वर्ड्स लिखे हुए हैं और उन वर्ड्स का मतलब जो इन एक्ट में नहीं डिफाइंड है, तो आप कौन से एक्ट में देखोगे, आप जनरल क्लॉजेस एक्ट में इन वर्ड्स का मतलब देखते हो. तो बेसिकली मैडम आपका कहने का मतलब ये है कि जो जनरल क्लॉजेस एक्ट है
उसे हम यूज करते हैं टू इंटरप्रेट दी सेंट्रल एक्ट्स. सेंट्रल एक्ट्स को समझने के लिए हम जनरल क्लॉजेस एक्ट को यूज करते हैं, क्योंकि सेंट्रल एक्ट्स में ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो सेंट्रल एक्ट, जैसे आप कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हो तो कंपनीज एक्ट में बहुत जगह ऐसे वर्ड्स यूज हुए हैं जिनका मतलब कंपनीज एक्ट में नहीं लिखा, तो आप फिर इनका मतलब कहां पे देखोगे? इनका मतलब आप जनरल क्लॉजेस एक्ट में देखोगे. तो बेसिकली एक एक्ट को समझने के लिए, एक सेंट्रल एक्ट को समझने के लिए आप किसको देखते हो? जनरल क्लॉजेस एक्ट. तो जनरल क्लॉजेस एक्ट को यूज किया जाता है टू इंटरप्रेट व्हाट द सेंट्रल एक्ट. और मुझे एक बात बताओ, टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए किसमें? इन सेंट्रल एक्ट्स. सेंट्रल एक्ट्स में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए मुझे एक बात बताओ, एक वर्ड है गुड्स. अगर गुड्स का मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कुछ और दिया हुआ है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में कुछ और दिया हुआ है, तो एक सेंट्रल एक्ट दूसरे सेंट्रल एक्ट से क्या होगा? कॉन्फ्लिक्टिंग होगा, कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी. तो कंसिस्टेंसी रहे, टू ब्रिंग कंसिस्टेंसी, टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन सेंट्रल एक्ट. कि अगर एक वर्ड गुड्स जो सारे सेंट्रल एक्ट्स में जो आप यूज कर रहे हो उसका मतलब एक ही होना चाहिए, ताकि एक सेंट्रल एक्ट दूसरे सेंट्रल एक्ट से क्या रहे? कंसिस्टेंसी में रहे. तो जनरल क्लॉजेस एक्ट का पर्पस क्या है? जनरल क्लॉजेस एक्ट को यूज किया जाता है बेटा सारे सेंट्रल एक्ट्स, अभी आप पढ़ेंगे, टू इंटरप्रेट द सेंट्रल एक्ट्स, टू ब्रिंग कंसिस्टेंसी इन द सेंट्रल एक्ट्स, एंड टू शॉर्टन द लैंग्वेज ऑफ सेंट्रल एक्ट्स, टू शॉर्टन द लैंग्वेज ऑफ सेंट्रल एक्ट्स. मुझे बताओ, अगर एक वर्ड का मतलब हर बार आप सारे एक्ट्स में डालोगे, एक वर्ड का मतलब सारे सेंट्रल एक्ट्स में आप डालोगे, तो सेंट्रल एक्ट्स कितने बड़े हो जाएंगे? तो सेंट्रल एक्ट्स की लैंग्वेज को शॉर्टन करने के लिए इन वर्ड्स का मतलब एक जगह डाल दिया जनरल क्लॉजेस एक्ट में, ताकि सेंट्रल एक्ट्स को शॉर्टन किया जा सके, उसकी लैंग्वेज को क्या किया जा सके? शॉर्टन किया जा सके. क्योंकि बार बार एक वर्ड का मतलब अगर आप हर एक्ट में डिफाइन करोगे तो एक्ट्स बहुत लंबे हो जाएंगे, तो उनका उनकी लैंग्वेज को शॉर्टन करने के लिए जनरल क्लॉजेस एक्ट है. तो जनरल क्लॉजेस एक्ट के तीनों पर्पस बताओगे, टू ब्रिंग कंसिस्टेंसी इन सेंट्रल एक्ट, टू इंटरप्रेट द सेंट्रल एक्ट, एंड टू शॉर्टन द लैंग्वेज ऑफ द सेंट्रल एक्ट. वेरी वेरी गुड. चलिए, वेरी 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 नाइस. आगे बढ़ेंगे बेटा, सारे बच्चे आगे बढ़ते हैं. ओके, अब सारे बच्चे स्क्रीन के ऊपर ध्यान देंगे. बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताती हूं. आप अभी क्या पढ़ रहे हो बेटा? आप पढ़ रहे हो जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897. उससे पहले क्या था? इस जनरल क्लॉज से, इस एक्ट से पहले था जनरल क्लॉज एक्ट 1887, और उससे पहले, सबसे पहले जनरल क्लॉजेस एक्ट क्या आया था? 1868. तो बेटा जी, पहले था जनरल क्लॉजेस 1868, उसके बाद जनरल क्लॉजेस एक्ट 1887 आया, और फिर आया जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897, जिसको हम अपनी बुक में क्या पढ़ रहे हैं, जिसको हम समझ रहे हैं, जिसको हम पढ़ रहे हैं, दैट इज जनरल एक्ट 1897. उससे पहले क्या था? जनरल एक्ट 1887. उसके बाद क्या आया? जनरल एक्ट 1887. तो सारे बच्चे यहां पे ध्यान देंगे, जनरल क्लॉजेस एक्ट पहली बार कब आया? जनरल क्लॉजेस एक्ट पहली बार हमारे देश में आया 1868 में. तो जितने भी सेंट्रल एक्ट्स 1868 के पहले बने हुए हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडियन पीनल कोड, ये सेंट्रल एक्ट कब बना? 1860 में. तो कहता है जितने भी सेंट्रल एक्ट्स, जनरल क्लॉजेस एक्ट पहली बार हमारे देश में लागू हुआ था जनरल क्लॉजेस एक्ट 1868 में. तो जितने भी सेंट्रल एक्ट्स 1868 से पहले भारत में लागू हुए, उन पर जनरल एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता. इन सारे सेंट्रल एक्ट पे जनरल क्लॉजेस एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि ये जो सेंट्रल एक्ट्स हैं वो जनरल क्लॉजेस एक्ट के पहले आ गए. तो जनरल क्लॉजेस एक्ट तो बाद में आया, 1868 में आया. तो जितने भी सेंट्रल एक्ट 1868 के पहले देश में लागू हुए, जैसे इंडियन पीनल कोड, उस पर जनरल क्लॉजेस एक्ट, उस सेंट्रल एक्ट पे जनरल क्लॉजेस एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता. और जितने भी जनरल क्लॉजेस एक्ट 1868 के, एक मिनट पेन का कलर चेंज करते हैं ताकि हाईलाइट हो सके. ओके, जितने भी सेंट्रल एक्ट इस दौरान आए, 1868 के बाद आए, जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ये क्या हुआ? 68 के बाद आया. जितने भी जनरल क्लॉजेस एक्ट यहां पर आए, जैसे फॉर एग्जाम्पल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1880,
वन के अंदर आया। तो जितने भी सेंट्रल एक्ट इस दौरान आए, दैट इज 1868 और 1897 के बीच में, इन सारे एक्ट्स के ऊपर जो इस दौरान आए इन सारे सेंट्रल एक्ट्स के ऊपर जनरल क्लॉजेस एक्ट पार्शियली एप्लीकेबल है। और जितने भी सेंट्रल एक्ट्स 1897 के बाद आए, जैसे बहुत सारे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल द कंपनीज एक्ट 2013, जैसे जीएसटी एक्ट, ये सब क्या आए 1897 के बाद आए हैं क्या? ये सारे 1897 के बाद आए हैं क्या? हाँ, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, ये सारे के सारे एक्ट 1897 के बाद आए। इन सेंट्रल एक्ट्स के ऊपर जीसी एक्ट फुली एप्लीकेबल है। सारे बच्चों को समझ में आया। तो बेसिकली मैंने क्या बोला अभी, जनरल क्लॉजेस एक्ट कब आया बेटा? जनरल क्लॉजेस एक्ट आया 1897 में। उससे पहले कब आया था? 1887 में। उससे पहले कब आया था? 1868 में। तो जितने भी सेंट्रल एक्ट्स इस दौरान आए, इसके ऊपर जीसी एक्ट नॉट एप्लीकेबल, जीसी एक्ट कतई एप्लीकेबल है ही नहीं, क्योंकि जो 1868 से पहले आए थे सेंट्रल एक्ट्स, तब तक तो जीसी एक्ट का कोई नामो निशान नहीं था, तो जीसी एक्ट अप्लाई भी नहीं होगा। जो भी सेंट्रल एक्ट्स इस दौरान आए, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, जैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हो गया, इन सब के ऊपर जीएसटी एक्ट क्या है? पार्शियली एप्लीकेबल है। जनरल क्लॉजेस एक्ट क्या है? पार्शियली एप्लीकेबल। जीसी एक्ट पार्शियली एप्लीकेबल है। और जितने भी सेंट्रल एक्ट 1897 के बाद आए, जैसे कंपनीज एक्ट, जीएसटी एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, इनके ऊपर जनरल क्लॉजेस एक्ट क्या है? फुली 100% एप्लीकेबल है, पूरा का एप्लीकेबल है। जनरल क्लॉजेस एक्ट फुली एप्लीकेबल है उन सारे सेंट्रल एक्ट्स पे जो 1897 के बाद आए, जैसे द कंपनीज एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, आपका द जीएसटी एक्ट, इन सब पे फुली एप्लीकेबल है। सारे बच्चों को समझ में आया क्या मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूं? हां जी, यस। चलिए ओके, ये अभी हम बैकग्राउंड स्टडी कर रहे हैं ताकि आपके दिमाग में लैंग्वेज इजी हो जाए। बेटा ये मैं क्यों पढ़ा रही हूं? ताकि आपको लैंग्वेज इजी लगेगी, आगे जब आप पढ़ोगे ना, थिंग्स विल मेक मोर सेंस जब आप चीजों को रीड करोगे। ठीक है, चलिए, ऑल राइट, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सारे बच्चे अब आगे ध्यान देंगे। एवरीबडी कॉन्सेंट्रेट ऑन द स्क्रीन। जो एक्ट मैं अभी पढ़ा रही हूं, सारे बच्चे उसी के ऊपर क्या करेंगे? ध्यान देंगे। बेटा मुझे एक बात बताओ, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बना 26 जनवरी 1950 को, पर भारत आजाद तो उससे पहले ही हो गया था। भारत इंडिपेंडेंट कब हो गया था? भारत आजाद तो 1947 में हो गया था। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया था, लेकिन भारत का कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को बना। मतलब इस दौरान इंडिपेंडेंस के कुछ समय तक भारत का अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। तो अब सारे बच्चे यहां पे सुनेंगे, जितने भी सेंट्रल एक्ट्स कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद आए, आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और जो कि हमारा भारत का कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था? 26 जनवरी 1950 को भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बना। तो इस डेट के बाद जितने भी सेंट्रल एक्ट्स आए, उनको कौन पास करता है? सारे सेंट्रल एक्ट्स को आज की डेट पे हमारे प्रेसिडेंट पास करते हैं। मतलब ऐसा एक्ट जो पूरे भारत पे लागू होता है, दैट इज सेंट्रल एक्ट। सेंट्रल एक्ट को पास करने के लिए किसका असेंट की जरूरत पड़ता है? प्रेसिडेंट का असेंट। तो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन 1950 को बना, उस 1950 के बाद जितने भी सेंट्रल एक्ट्स अप्लाई हुए, उन सब के ऊपर, जैसे कंपनीज एक्ट पे किसका असेंट लगा? प्रेसिडेंट का। पर बिफोर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बट कॉन्स्टिट्यूशन से आने के पहले क्या था?
कॉन्स्टिट्यूशन के पहले के समय में, दैट इज बिफोर बिफोर 26 जनवरी 1950 सेंट्रल एक्ट्स को कौन पास करता था? कौन पास करता था? गवर्नर जनरल। अब इसमें भी दो हो गए, बिफोर एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंट कब हो गया था देश? आफ्टर इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस, बट बिफोर 26 जनवरी 1950। मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस मतलब 1947 के बाद, लेकिन 1950 से पहले, ये जो इस बीच का जो समय है, इसमें जो भी लॉज पास हुए थे उन्हें हम क्या कहते हैं? लॉज ऑफ डोमिनियन लेजिस्लेचर। लॉज ऑफ डोमिनियन लेजिस्लेचर मतलब इंडिपेंडेंस से पहले, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन से पहले लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद, 1947 के बाद लेकिन 1950, 26 जनवरी 1950 से पहले पहले, ये जो इस दौरान, इंडिपेंडेंस के बाद लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले, इस दौरान जो लॉज पास हुए थे उन्हें हम कहते हैं लॉज ऑफ डोमिनियन लेजिस्लेचर। बट बिफोर बिफोर 15 अगस्त 1947, इंडिपेंडेंस के पहले के जितने भी लॉज पास्ड है, ये सारे लॉज को कौन असेंट देता था? गवर्नर जनरल। कौन देता था? गवर्नर जनरल। तो बेसिकली आपको याद रखने के लिए क्या है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद सेंट्रल एक्ट्स को सहमति कौन देता है? प्रेसिडेंट। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले कौन सहमति देता था सेंट्रल एक्ट को? गवर्नर जनरल सहमति देते थे। ठीक है, ओके, सारे बच्चे समझ गए। मैडम ये हमें क्यों बता रही हो? बेटा इसी से तुम्हें पूरे जनरल क्लॉजेस एक्ट की बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, चलिए, ओके। शुभांगी बेटा बाद में देख लेना आप, तो अभी मत देखो। अगर आपको स्लो लग रहा है बेटा, दिस इज द मैक्सिमम फास्ट आई कैन गो। ठीक है शुभांगी, ये मेरा मैक्सिमम है बेटा, इससे ज्यादा फास्ट मैं जा नहीं सकती क्योंकि मेरा भी गला है, और इससे ज्यादा फास्ट मैं जाना भी नहीं चाहूंगी क्योंकि कोई मतलब नहीं है। जब बच्चों को समझ ही नहीं आता तो क्या मतलब है ना। तो ऐसे ही हम पढ़ेंगे जिससे हम बेहतरीन तरीके से समझ सके। अगर आपको फास्ट, अगर आपको स्लो लगता है बेटा, तो बाद में 2x की स्पीड में आप देख लेना। ठीक है, ओके, चलिए, ओके, ऑलराइट, ओके, चलिए। सबसे पहले हम क्या इस एक्ट में पढ़ेंगे? सबसे पहले बेटा हम इस एक्ट में पढ़ेंगे एक्ट का प्रीएम्बल। अच्छा एक बात बताओ, जनरल क्लॉजेस एक्ट कहां कहां एप्लीकेबल होगा? जनरल क्लॉजेस एक्ट कहां कहां एप्लीकेबल होगा? जनरल क्लॉजेस एक्ट एप्लीकेबल होगा, जनरल क्लॉजेस एक्ट एप्लीकेबल होगा। जनरल क्लॉजेस एक्ट को यूज किया क्यों जाता है? जनरल क्लॉजेस एक्ट को यूज किया जाता है सेंट्रल एक्ट्स को इंटरप्रिटेशन के लिए। सेंट्रल एक्ट्स के इंटरप्रिटेशन के लिए आप किसको यूज करते हो? आप जनरल क्लॉजेस एक्ट को यूज करते हो। तो जहां जहां सेंट्रल एक्ट लगेगा वहां वहां जनरल क्लॉजेस एक्ट भी लगेगा। अगर आपको एग्जाम में एप्लीकेबिलिटी पूछते हैं कि बताओ जनरल क्लॉजेस एक्ट कहां कहां एप्लीकेबल होगा, तो आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे जहां जहां सेंट्रल एक्ट लगता है, क्योंकि सेंट्रल एक्ट को इंटरप्रेट करने के लिए तो हम जनरल क्लॉजेस एक्ट यूज करते हैं। तो जहां जहां सेंट्रल एक्ट लगेगा वहां वहां जनरल क्लॉजेस एक्ट भी लगेगा। ओके, किसी भी एक्ट को आप पढ़ते हो बेटा तो एक्ट में क्या होता है? प्रीएम्बल। प्रीएम्बल क्या होता है? एवरी एक्ट हैज अ प्रीएम्बल। हर एक्ट का एक पहले स्टार्टिंग में प्रीएम्बल होता है। प्रीएम्बल में लिखा होता है कि एक्ट का स्कोप क्या है, एक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है, और एक्ट क्यों लाया गया, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द एक्ट, ये किधर लिखा होता है? प्रीएम्बल में। अगर आपको एक्ट समझने में कभी भी कोई कंफ्यूजन होती है, जब आप एक्ट को रीड कर रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो, अगर एक्ट को समझने में आपको कहीं पे कंफ्यूजन होती है तो आप प्रीएम्बल पढ़ते हो। प्रीएम्बल से आपको क्या पता चल जाता है? प्रीएम्बल आपको हेल्प करता है एक्ट को इंटरप्रेट करने के लिए। लेट्स से अगर मैं कंपनीज एक्ट पढ़ रही हूं, लेकिन अगर मुझे कंपनीज एक्ट में कोई चीज मान लो कंफ्यूजन हो रही है, समझ में नहीं आ रही, तो मैं कंपनीज एक्ट का क्या पढ़ूंगी? प्रीएम्बल। प्रीएम्बल से मुझे पता चलेगा कि एक्ट का क्या स्कोप है, एक्ट का क्या पर्पस है, एक्ट का क्या ऑब्जेक्ट है, तो इसको पढ़कर मुझे समझ में आएगा। तो प्रीएम्बल इज एन एड टू कंस्ट्रक्शन। प्रीएम्बल पढ़ के हमें समझ में आता है कि एक्ट क्या कहना चाह रहा है। चलिए, ओके, ऑलराइट, ओके, इस एक्ट का शॉर्ट टाइटल क्या है? टाइटल क्या है? जनरल क्लॉजेस एक्ट। ऑलराइट, सबसे पहले बेटा हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 5। सबसे पहले जनरल क्लॉजेस एक्ट में हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 5।
सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा सेक्शन नंबर 5। अब सारे बच्चे सेक्शन नंबर 5 किसके ऊपर है? कमिंग इनटू ऑपरेशन, कमिंग इनटू ऑपरेशन ऑफ एन एनैक्टमेंट। एक एक्ट कब लागू हुआ ये हमें कैसे पता चलेगा? मान लो आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ रहे हो, कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हो, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ रहे हो, कोई भी एनैक्टमेंट आप पढ़ रहे हो, आपको कैसे पता चलेगा, आपको कैसे पता चलेगा ये कब ऑपरेशन में आया, ये कब लागू हुआ भारत में, ये सेंट्रल एक्ट भारत में कब लागू हुआ, हमें कैसे पता चलेगा? अगर डेट इज स्पेसिफाइड, अगर एक्ट में डेट लिखी हुई है, अगर एक्ट में डेट स्पेसिफाइड है तो इट इज एप्लीकेबल फ्रॉम दैट डे, एप्लीकेबल फ्रॉम दैट डे। अगर एक्ट में डेट लिखी हुई है तो इट इज एप्लीकेबल फ्रॉम दैट डेट, ऑफकोर्स मैडम। पर अगर कोई डेट ही नहीं लिखी हुई मैडम, इफ नो डेट इज स्पेसिफाइड, मैडम अगर कोई भी डेट स्पेसिफाइड ही नहीं है कि एक्ट कब से लागू हुआ, ऐसा कोई डेट स्पेसिफाइड ही नहीं है, तो फिर हम कौन सा कब से एप्लीकेबल होगा देखेंगे बेटा। डेट ऑन विच उसको प्रेसिडेंट का असेंट मिला, या अगर कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले आया तो गवर्नर जनरल का असेंट मिला, डेट ऑन विच आपको प्रेसिडेंट का क्या मिलाओ, असेंट मिलाओ। तो बेसिकली यही बात है, ये क्या करता है सेक्शन 5, वेयर एनी सेंट्रल एक्ट, where any central act has not specifically mentioned a particular date to come into force. अगर central act में date लिखी हुई नहीं है कि ये central act कब से लागू हुआ, तो हम कौन सी date लेंगे? कहता है जिस दिन उसे assent मिला, governor general का या फिर president का। अगर constitution बनने से पहले, 1950 से पहले का act है, तो जिस दिन आपको assent मिला governor general का, और अगर मान लो after the commencement of Indian Constitution है, तो ऐसे केस में जिस दिन प्रेसिडेंट का असेंट मिला। सिंपल केस हमारा, मान लो द कंपनीज एक्ट 2013 आप पढ़ते हो क्या, तो 2013 कब लागू हुआ, इफ नो डेट हैज बीन स्पेसिफाइड, तो जिस दिन असेंट मिला किसका, प्रेसिडेंट का, दैट इज 29th August 2013। सेम अगर आप ये पढ़ते हो, ये वाला पॉइंट पढ़ते हो, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी एक्ट, सेबी रेगुलेशन 2015 में सेबी ने क्या बताया था, ये एक्ट आया 14 अगस्त 2015 को, नोटिफिकेशन आया इस एक्ट को लेके, नोटिफिकेशन कब आया, 14 अगस्त 2015 को आया, और इस नोटिफिकेशन में स्पेसिफिकली डेट लिखी हुई थी कि ये लागू होगा 1 जनवरी 2016 से। तो बेसिकली अगर कोई डेट स्पेसिफाइड है तो फिर वो उसी दिन से लागू होगा जो डेट स्पेसिफाइड है, पर अगर किसी एक्ट में कोई भी डेट स्पेसिफाइड नहीं है तो हम कौन सी डेट लेते हैं, डेट ऑन विच इट रिसीव्ड द असेंट ऑफ ईदर गवर्नर जनरल और द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सारे बच्चे समझा, एवरीबॉडी समझ में आया क्या बेटा? तो सेक्शन 5 कहता है एक एक्ट कब आया, व्हेन डिड इट केम इनटू फोर्स, अगर डेट स्पेसिफाइड है तो वो डेट, पर अगर डेट स्पेसिफाइड नहीं है तो जिस दिन उसे असेंट मिला गवर्नर जनरल या प्रेसिडेंट का। सिंपल है, ओके। सारे बच्चों को समझ में आ रहा है बेटा, सारे बच्चों को समझ में आ रहा है। अब हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ रिपील, दैट इज सेक्शन 6। ऑल राइट, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रिपील? मुझे एक बात बताओगे, द कंपनीज एक्ट पहले क्या था, द कंपनीज एक्ट 1956 था। सारे बच्चे जवाब देंगे, आप सबको समझ में आ रहा है, पहले क्या था, द कंपनीज एक्ट 1956 था। उसे रिपील करके, रिपील करना मतलब क्या होता है, रिपील मतलब रिवोक करना, वापस ले लेना, कंपनीज एक्ट को वापस लेकर क्या आया, द कंपनीज एक्ट 2013 आया, कंपनीज एक्ट 2013 आया। पहले क्या था, द कंपनीज एक्ट 1956, कंपनीज एक्ट को रिपील करके क्या आया, कंपनीज एक्ट 2013 आया। तो रिपील का इफेक्ट क्या होता है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रिपील? तो कहता है, सारे बच्चे जवाब देंगे बेटा क्या हो गया है, पहले था कंपनीज एक्ट 1956, इसको रिपील करके क्या आया, कंपनीज एक्ट 2013 आया। वेरी गुड, तो रिपील से, ये जो रिपील्ड एक्ट है, कौन सा एक्ट रिपील्ड एक्ट है, रिपील्ड एक्ट जिसे रिपील कर दिया गया, कंपनीज एक्ट 1956 को रिपील कर दिया था, वापस ले लिया गया था, और उसकी जगह क्या आया था, द कंपनीज एक्ट 2013 आया। तो ये जो रिपील्ड एक्ट ने जो राइट्स दिए, रिपील्ड एक्ट ने जो प्रिविलेजेस दिए,
रिपील्ड एक्ट के अंदर जो आपने लायबिलिटी इनकर की, या रिपील्ड एक्ट के अंदर जो भी ऑब्लिगेशंस आपने इनकर किए, रिपील्ड एक्ट में आपके ऊपर जो भी पेनल्टीज या पनिशमेंट आपको जो रिपील्ड एक्ट में लगे, या रिपील्ड एक्ट के अंदर अगर आपके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन या प्रोसीडिंग्स वगैरह चल रही थी, वो सारी रीएनएक्टेड एक्ट में सेम रहेगी। ये एक्ट क्या है? रीएनएक्टेड। इसको रिपील करके कौन सा एक्ट आया? कंपनीज एक्ट। तो ये रीएनएक्टेड एक्ट है। वापस लेके क्या आया? कंपनीज एक्ट 2013। तो कहता है रिपील्ड एक्ट ने जो राइट्स, ऑब्लिगेशंस, लायबिलिटीज, पनिशमेंट, इन्वेस्टिगेशन आप पे जो चल रही थी रिपील्ड एक्ट में, वो कंपनीज एक्ट 2013 में, रीएनएक्टेड एक्ट में भी क्या रहेगी? सेम रहेगी, सेम रहेगी। अनलेस अनलेस की अ डिफरेंट इंटेंशन अपीयर्स, अनलेस की अगर कोई कंपनीज एक्ट 2013 का कोई डिफरेंट इंटेंशन है, अगर नहीं है तो ये सारी चीजें क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो सारे बच्चे यहां पर आएंगे और पढ़ेंगे। क्या कहता है? रिपील्ड एक्ट डज नॉट इफेक्ट, रिपील्ड एक्ट इफेक्ट नहीं करेगा रिपील होने से, अगर कोई एक्ट रिपील हो गया है, इट विल नॉट इफेक्ट एनी राइट्स, प्रिविलेजेस, ऑब्लिगेशंस, लाइबिलिटी अक्वायर्ड, अक्रूड, इनकर्ड अंडर एनी एक्ट सो रिपील्ड। रिपील्ड एक्ट में आपने जो राइट्स, जो प्रिविलेजेस, जो ऑब्लिगेशंस, जो लाइबिलिटी इनकर की थी, वो सेम रहेगी नए एक्ट में भी। जो भी आप पे पेनल्टीज लगी थी, पनिशमेंट्स लगी थी किसी भी ऑफेंस को लेकर, वो भी क्या रहेगी? सेम रहेगी। अगर आप पे कोई इंक्वायरी, लिटिगेशन, या आपके ऊपर किसी भी तरीके का कोई इंक्वायरी, लिटिगेशन वगैरह था, कोई क्लेम वगैरह चल रहा था, तो वो भी क्या रहेगा? रिपील्ड एक्ट में अगर आपके ऊपर कोई इंक्वायरी, लिटिगेशन वगैरह चल रही थी, तो इफेक्ट नहीं होगी। एंड इट विल नॉट इफेक्ट एनीथिंग ड्यूली डन और सफर्ड अंडर द लॉ सो रिपील्ड। मतलब आपने रिपील्ड एक्ट में जो काम किया है वो भी क्या रहेगा? उसका भी क्या रहेगा? वो इफेक्ट नहीं होगा। मतलब ऐसा है क्या कि कंपनीज एक्ट 1956 में जो आपने काम किया, वो काम भी सारा वॉइड हो जाएगा कंपनीज एक्ट 2013 आने से? नहीं। तो कहता है रिपील होने से कोई इफेक्ट नहीं आएगा उन सारे कामों पे जो आपने किया है रिपील्ड एक्ट में, दैट इज 1956 के एक्ट में, जो भी आपने काम किया है उस पे कोई फर्क नहीं आएगा। रिपील शैल नॉट रिवाइव एनीथिंग नॉट एनफोर्स्ड और prevailed during the period at which the repeal is effected। मतलब जो चीज repealed act में थी ही नहीं, जो चीज companies act में, companies act 1956 में थी ही नहीं repeal होने से, ऐसी कोई चीज revive होगी ही नहीं। अगर act repeal होके कोई दूसरा act आता है तो कहता है repeal will not revive anything। मतलब repeal होने से कोई act अगर repeal कर लिया गया है तो उससे कोई ऐसी चीज revive होगी नहीं जो companies act 1956 में थी ही नहीं। कहता है repeal shall not revive anything not enforced or prevailed during the period at which the repeal is effected। Very good। सारे बच्चे मेरे को एक चीज बताएंगे, इधर आएंगे और मुझे बताओगे repeal से क्या नहीं होता। Repeal, repeal shall not, repeal अगर कोई act होता है, repeal shall not, it shall not affect rights, liabilities incurred in repealed act। जो भी repealed act में 1956 के act में आपको rights, liabilities मिली थी, it shall not affect penalties, कोई penalty या कोई punishment आपको जो repealed act में मिली थी वो effect नहीं होगी। आप पे कोई investigation या कोई proceeding चल रही थी तो वो भी effect नहीं होगी। And repealed act shall not revive, repeal shall not revive anything, repeal shall not revive anything which was not in the repealed act। ठीक है, simple। and shall not affect any work done under the repealed act। आपने कोई काम जो repealed act में किया है वो भी effect नहीं होगा। चलिए, very good। सारे बच्चे इधर आएंगे और अब दूसरे एक यहां पे case law है repeal को लेकर, वो पढ़ेंगे। In the state of UP versus हिरेंद्र पाल सिंह, इस केस लॉ में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? जब एक एक्ट को रिपील कर दिया जाता है, जैसे कंपनीज एक्ट को वापस ले लिया गया 1956 को, उसकी जगह कंपनीज एक्ट 2013 आया, तो कहता है एक एक्ट जब रिपील होता है तो ऐसा माना जाता है कि जैसे वो एक्ट कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। मतलब रिपील का ऑब्जेक्ट होता है कंप्लीट ऑब्लिटरेशन फ्रॉम द बुक्स ऑफ लॉ। ऑब्लिटरेशन मतलब हटा देना,
हटा देना, रिमूव कर देना, हटा देना, रिमूव कर देना, मतलब ये क्या कह रहा है, अगर कोई एक्ट रिपील होता है तो ऐसे माना जाता है कि जैसे वो एक्ट कभी था ही नहीं। रिपील का इफेक्ट ये होता है कंप्लीट ऑब्लिटरेट, कंप्लीटली हटा देना, जैसे कि वो एक्ट कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं था। वर्ड क्या है? ऑब्लिटरेट। रिपील का इफेक्ट क्या होता है? रिपील का ऑब्जेक्ट क्या होता है? उसको हटा ही देना, कंप्लीटली रिमूव कर देना फ्रॉम द बुक्स ऑफ द लॉ। अब यहां पे नवरंगपुरा गाम धर्मादा मिलकैट ट्रस्ट वर्सेस रामतुजी रामाजी, इस केस लॉ में क्या हुआ? नवरंगपुरा गाम धर्मादा मिलकैट ट्रस्ट वर्सेस रामतुजी रामाजी, ये कह रहा है रिपील और डिलीशन में क्या फर्क है, मुझे बताओ। रिपील वर्ड और डिलीशन वर्ड में क्या फर्क है? कहता है रिपील मतलब ऐसा माना जाता है, रिपील का ऑब्जेक्ट ये होता है कंप्लीट ऑब्लिटरेशन, कंप्लीट ऑब्लिटरेशन फ्रॉम द बुक्स ऑफ लॉ, कंप्लीटली उसे लॉ की बुक से हटा देना, एज इफ इट नेवर एग्जिस्टेड, एज इफ इट नेवर एग्जिस्टेड, जैसे कि ये लॉ कभी आया ही नहीं, था ही नहीं, ऐसा मानते हैं, इसे कहते हैं रिपील। लेकिन कहता है रिपील मतलब कंप्लीट ऑब्लिटरेशन ऑफ द प्रोविजन एज इफ इट नेवर एग्जिस्टेड, जैसे वो कभी था ही नहीं। लेकिन डिलीशन वर्ड का मतलब क्या होगा? डिलीशन का ऑब्जेक्ट क्या होता है? डिलीशन मतलब कंप्लीट ऑब्लिटरेशन नहीं होता है, डिलीशन मतलब जिस दिन से लॉ डिलीट हुआ है, जिस डेट से लॉ डिलीट हुआ है, उस डेट से इट विल नॉट हैव एनी इफेक्ट, इट विल नॉट हैव इफेक्ट, मतलब जिस डे से एक्ट डिलीट हो गया उस दिन से उस एक्ट का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। बट इसका मतलब ये नहीं है, इट इज नॉट कंप्लीट वाइपिंग आउट। ऑब्लिटरेशन, रिपील तो एकदम कंप्लीटली हटा देना, जैसे कभी वो था ही नहीं। कहते हैं डिलीशन मतलब हटा देना, कंप्लीटली हटा देना नहीं होता। डिलीशन ऑर्डिनरली टेक्स इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ लॉ, जिस दिन डिलीट हुआ है, इफेक्टिंग द सेट डिलीशन, जिस दिन डिलीट हुआ है इट विल नॉट हैव एनी इफेक्ट। उस पर्टिकुलर एक्ट, वो पर्टिकुलर एक्ट भारत में उस दिन से लागू नहीं होगा, मतलब उस दिन से उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। और वाइपिंग आउट ऑफ द प्रोविजन, इट्स नेवर टू इफेक्ट टोटल इफेक्टिंग और वाइपिंग आउट, वाइपिंग आउट का इफेक्ट नहीं होता, डिलीशन का जो इफेक्ट होता है वाइपिंग आउट का इफेक्ट नहीं होता है। रिपील मतलब वाइप आउट कर देना, डिलीशन इज नेवर वाइप आउट, डिलीशन मतलब फ्रॉम द सेट डेट ऑन विच इट इज डिलीटेड इट विल नॉट हैव इफेक्ट। बस डिलीशन मतलब डिलीशन से उस एक्ट का कोई इफेक्ट नहीं आएगा उस दिन से, पर इसका मतलब ये नहीं है कि एक्ट पूरा ही वाइप आउट कर दिया आपने, नहीं, डिलीशन इज नॉट टोटल वाइपिंग आउट, रिपील इज टोटल वाइपिंग आउट। इसके ऊपर आपको कोई सवाल आ सकता है, कोई केस लॉ कोई सवाल बनकर आ सकता है कि बताओ डिलीशन और रिपील वर्ड में क्या फर्क है, तो आप ये वाला जो केस लॉ है उसका रेफरेंस देंगे, नवरंगपुरा गाम धर्मादा मिलकैट ट्रस्ट वर्सेस रामतुजी रामाजी, इसका आप एक रेफरेंस देंगे और आप बोलोगे इस केस लॉ में पता चला हाउ इज रिपील डिफरेंट फ्रॉम डिलीशन। रिपील मतलब कंप्लीट ऑब्लिटरेशन, हाउएवर डिलीशन इज नॉट कंप्लीट ऑब्लिटरेशन, डिलीशन इफ द एक्ट इज डिलीटेड इट मींस इट विल नॉट हैव एनी इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीशन, इट इज नॉट टोटल वाइपिंग आउट। ठीक है, ओके, सारे बच्चे समझ गए? तो इसके ऊपर आपको एक सवाल आ सकता है, ओके, तो आप रिपील और जो भी डिलीशन में फर्क समझाओगे। रिवाइवल ऑफ द रिपील्ड एनैक्टमेंट, कहता अगर एक एक्ट आपने रिपील कर दिया, अगर एक एक्ट आपने रिपील किया है, अगर एक एक्ट आपने रिपील किया है, अगर उस रिपील्ड एक्ट को आप रिवाइव करना चाहते हो फुली, या तो हो सकता है फुली रिवाइव करना चाहते हो, या अगर आप पार्शियली भी रिवाइव करना चाहते हो, तो आपको क्या बताना पड़ेगा? आपको पर्पस ऑफ रिवाइविंग बताना पड़ेगा, आपको क्या बताना पड़ेगा? पर्पस की क्यों रिवाइव कर रहे हो, पर्पस ऑफ रिवाइविंग। कहता है वेयर एनी सेंट्रल एक्ट, वेयर एनी सेंट्रल एक्ट जो रिपील हो चुका है, अगर कोई भी सेंट्रल एक्ट रिपील हो चुका है, अगर उसको होली या पार्शियली, आप क्या करना चाहते हो, होली पार्शियली रिपील्ड एक्ट को अगर आप रिवाइव करना चाहते हो, तो आपको पर्पस ऑफ रिवाइविंग बताना पड़ेगा। अगर आप ऐसा एक्ट जो रिपील हो गया उसे आप रिवाइव करना चाहते हो, तो आप क्या बताओगे? पर्पस बताओगे रिवाइविंग का। ठीक है, समझा सारे बच्चे? समझा? हां जी निखिल बेटा, अदरवाइज मैं क्यों आऊंगी यार यहां पे? सारे सेक्शंस पढ़ेंगे हम।
देखो मुझे एक बात बताओ, कंपनीज एक्ट कब आया? कंपनीज एक्ट 1956 में आया। उसके बाद इनकम टैक्स एक्ट आया, कब? इनकम टैक्स एक्ट 1961 में आया। तो इनकम टैक्स एक्ट में बहुत जगह रेफरेंस किसका दिया हुआ है? कंपनीज एक्ट 1956 का रेफरेंस दिया हुआ है। अगर आप इनकम टैक्स एक्ट 1961 पढ़ोगे तो उस इनकम टैक्स एक्ट में बहुत जगह कंपनीज एक्ट 1956 का रेफरेंस दिया हुआ है। पर क्या अब कंपनीज एक्ट 1956 को रिपील करके कंपनीज एक्ट 2013 आ गया क्या? तो अब मतलब क्या कंपनीज एक्ट 2013 आने से क्या आपको इनकम टैक्स एक्ट भी चेंज करना पड़ेगा या हर वो एक्ट चेंज करना पड़ेगा जिसमें पुराने वाले कंपनीज एक्ट का रेफरेंस दिया हुआ है? कहता नहीं। जनरल क्लॉजेस एक्ट कहता है वेयर एनी सेंट्रल एक्ट, कोई भी सेंट्रल एक्ट में अगर फॉर्मर एनैक्टमेंट का रेफरेंस दिया हुआ है, जैसे अगर किसी भी जैसे इनकम टैक्स एक्ट के अंदर अगर फॉर्मर एनैक्टमेंट दैट इज कंपनीज एक्ट 1956 का रेफरेंस दिया हुआ है जो कि रिपील हो गया, जिसके प्रोविजंस रिपील हो गए, तो कहता है आप उसे कैसे रीड करोगे, आप उसे कंस्ट्रूड कैसे करोगे? रीड ऐसे करोगे जैसे कि किसका रेफरेंस दिया हुआ है? री एनैक्टेड एक्ट का रेफरेंस दिया हुआ है, जैसे कंपनीज एक्ट 2013 का रेफरेंस दिया हुआ है ऐसा मानोगे। कहता है अगर किसी भी सेंट्रल एक्ट में फॉर्मर एनैक्टमेंट दैट इज कंपनीज एक्ट 1956 का रेफरेंस दिया हुआ है जो एक्ट रिपील हो गया, तो आप उसे कैसे रीड करोगे, आप उसे कैसे इंटरप्रेट करोगे? जैसे कंपनीज एक्ट 2013 दैट इज री एनैक्टेड एक्ट का रेफरेंस दिया हुआ है, आप ऐसे मानोगे। सारे बच्चे समझ में आ गया? क्योंकि आप एक एक एक्ट को बदलते बैठोगे क्या, जिस भी एक्ट में 1956 का रेफरेंस दिया उस एक्ट को फिर से बनाओ? नहीं, जनरल क्लॉजेस एक्ट ने लिख दिया अगर किसी सेंट्रल एक्ट में वेयर एनी रेफरेंस इन एनी सेंट्रल एक्ट इज गिवन ऑफ फॉर्मर एनैक्टमेंट व्हिच इज सो रिपील, पुराने वाले एक्ट का रेफरेंस दिया हुआ है जो तो रिपील हो गया, तो आप उसे कैसे रीड करेंगे? अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन अपीयर इट शैल बी रेड एज द रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ द री एनैक्टेड एक्ट, ऐसे रीड किया जाएगा जैसे कि कंपनीज एक्ट 2013 का रेफरेंस दिया हुआ है, हम उसे ऐसे रीड करेंगे। ठीक है, ओके। अब क्या है सेक्शन 9 किसके बारे में बात करता है? कमेंसमेंट एंड टर्मिनेशन ऑफ टाइम। मतलब इसमें दो वर्ड्स का मतलब बताया गया है, कौन से वर्ड का मतलब? फ्रॉम एंड टू वर्ड का मतलब। इसे हम कैसे रीड करते हैं? फ्रॉम मतलब फर्स्ट इन सीरीज ऑफ वर्ड्स, फर्स्ट इन सीरीज ऑफ वर्ड्स शैल बी। बेटा प्रियांशु जोशी, बेटा खुद भी कुछ पढ़ना चाहिए। नहीं नहीं मैडम, हम कैसे पढ़ सकते हैं, हमें थोड़ी एग्जाम देने। टू, लास्ट इन सीरीज ऑफ वर्ड शैल बी इंक्लूडेड। तो यहां पे ना वर्ड का मतलब बताया गया है, फ्रॉम एंड टू वर्ड का मतलब बताया गया है। फ्रॉम मतलब फर्स्ट इन सीरीज ऑफ वर्ड्स शैल बी एक्सक्लूडेड, एंड टू का मतलब होता है लास्ट इन सीरीज ऑफ वर्ड्स शैल बी इंक्लूडेड। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है कि डिविडेंड डिक्लेयर करने के 30 डेज में आपको डिविडेंड क्या करना है, देना है। तो लेट्स से अगर डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है 1 अक्टूबर 2023 को कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, तो ये जो 30 डेज है ये कब से काउंट होंगे, फ्रॉम विच डेट विल यू काउंट? कहता है कंपनीज एक्ट कहता है डिविडेंड डिक्लेयर करने के 30 डेज में आपको डिविडेंड क्या करना है, पे करना है। तो मैडम 30 डेज कहां से काउंट होंगे, फ्रॉम वेयर? तो फ्रॉम कहता है फर्स्ट इन सीरीज ऑफ वर्ड शैल बी एक्सक्लूडेड, मतलब जिस दिन आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया है उस दिन को आप एक्सक्लूड करोगे 30 डेज को काउंट करने के लिए। तो 30 डेज कहां से काउंट होंगे, 2 अक्टूबर 2023 से काउंट होंगे। एंड जो लास्ट डेट है दैट इज लेट्स से 31 अक्टूबर 2023, लास्ट इन सीरीज ऑफ वर्ड्स शैल बी इंक्लूडेड। 30 डेज में ही जो लास्ट इन सीरीज ऑफ वर्ड है इसे आप इंक्लूड करोगे। तो बेसिकली क्या कह रहा है, फ्रॉम एंड टू के बारे में बता रहा है, कंप्यूटेशन ऑफ टाइम के बारे में बता रहा है। हर जगह आपने पढ़ा है क्या बेटा, कंपनीज एक्ट में लिखा है
ये चीज 15 दिन में करनी पड़ेगी। जब आप नया ऑडिटर अपॉइंट करते हो तो आपको आरओसी को 15 दिन में बताना पड़ता है, ये चीज 30 दिन में करनी पड़ती है, ये चीज 60 डेज में करनी पड़ती है। तो फ्रॉम मतलब क्या है, फ्रॉम मतलब क्या है, फ्रॉम वर्ड कहां से स्टार्ट होता है, कहता है फर्स्ट इन सीरीज ऑफ डेज। फर्स्ट इन सीरीज ऑफ डेज को आप क्या करते हो, एक्सक्लूड करते हो। एंड टू को, टू के लिए लास्ट इन सीरीज ऑफ डेज को आप क्या करते हो, इंक्लूड करते हो। ठीक है, इंक्लूडिंग दी लास्ट इन सीरीज ऑफ डेज, लास्ट इन सीरीज ऑफ डेज को आप क्या करते हो, इंक्लूड करते हो। जैसे मैंने आपको अभी अभी एक एग्जांपल दिया, अगर कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है 30th of September 2016 को, तो 30 डेज कहां से काउंट होंगे, 30 डेज उसके अगले दिन, दैट इज 1st of October से काउंट होंगे टिल 30th of October 2016। तो कहता है फर्स्ट फ्रॉम काउंट करने के लिए ये पहला दिन जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है वो इंक्लूड नहीं होता, उसका अगला दिन, बट जो टू तक है तो लास्ट इन सीरीज ऑफ डेट, ये जो डेट है वो इंक्लूड होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सारे बच्चे इसी के ऊपर, ये एग्जाम्पल है आपके स्टडी मैट का, एग्जाम्पल पढ़ लेना, अच्छा एग्जाम्पल है। कंप्यूटेशन ऑफ टाइम, कंप्यूटेशन ऑफ टाइम कहता है क्या, लेट से अगर कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है कि अगर आपको इस चीज के ऊपर अपील करनी है तो 15 दिन के अंदर अंदर आप आरडी के पास अपील कर सकते हो। लेट से कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है कि अगर कंपनी आपको ऑब्जेक्ट करना है तो आप 15 दिन के अंदर अंदर आरडी के पास अप्लाई कर सकते हो। तो लेट से अगर उस 15th डे को छुट्टी हुई तो, अगर उस 15th डे को कोर्ट का ऑफिस बंद हुआ तो उसके नेक्स्ट डे पे कर लेना। ठीक है, लेट से कोई भी किसी भी एक्ट में अगर लिखा किसी भी एक्ट में अगर आपको लिखा हुआ हो कि आप लेट से 7 डेज के अंदर कोर्ट में अप्लाई कर सकते हो, लेकिन वो 7th डे पे अगर कोर्ट बंद हुआ तो आप अगले दिन, दैट इज 8th को क्या कर सकते हो, कोर्ट में अप्लाई कर सकते हो। कहता है देखो, वेयर एनी एक्ट, किसी भी एक्ट ने अगर डायरेक्ट किया है या अलाउ किया है कि आप कोर्ट में जा सकते हो किसी सर्टेन डे को या विद इन अ प्रिस्क्राइब्ड पीरियड आप कोर्ट में जा सकते हो, लेकिन ऑन दैट डे, उस दिन या लास्ट वाले दिन अगर कोर्ट बंद हो, इफ ऑन दैट डे, मान लो इस दिन जा सकते हो पर वो दिन बंद है कोर्ट, या विद इन द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड 7 दिनों में जा सकते हो लेकिन लास्ट डे 7th डे ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड अगर कोर्ट बंद है तो क्या कहते हो, नेक्स्ट डे आप चले जाओ, नेक्स्ट डे ऑन विच द कोर्ट इज ओपन। तो उस दिन आप नहीं जाके, नेक्स्ट डे, अब 7th डे अगर कोर्ट बंद है तो नेक्स्ट डे को आप कोर्ट में अप्लाई कर सकते हो जिस दिन कोर्ट खुला हो वो। सारे बच्चे समझा, सारे बच्चे समझा कंप्यूटेशन ऑफ टाइम मतलब क्या होता है, सारे बच्चे समझ गए, एवरीबडी, कंप्यूटेशन मतलब क्या होता है, कंप्यूटेशन ऑफ टाइम कैसे किया जाता है। कहता है अगर किसी एक्ट में डायरेक्ट किया गया है, जैसे किसी भी एक्ट को आप पढ़ रहे हो और उस एक्ट में डायरेक्ट किया गया है कि आप कोर्ट पे जा सकते हो, कोर्ट में जा सकते हो, इस सर्टेन डे पे जा सकते हो या विद इन अ प्रिस्क्राइब्ड पीरियड आप कोर्ट में जा सकते हो, लेकिन अगर उस दिन या लास्ट डे ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड, जैसे 7 डेज में जा सकते हो, तो मान लो 7th डे, लास्ट डे अगर कोर्ट बंद है तो फिर कहते हैं कि आप कोर्ट में जा सकते हो ऑन द नेक्स्ट डे ऑन विच द कोर्ट इज ओपन, अगले दिन जिस दिन कोर्ट खुलेगा उस नेक्स्ट डे पे आप कोर्ट में जा सकते हो। ठीक है, चलिए, वेरी गुड, ये तो बहुत सिंपल है बेटा। सेक्शन 11 बात करता है मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, कहता है एक जगह से लेके अगर दूसरे जगह के बीच में अगर आपको डिस्टेंस को मेजर करना है तो आप डिस्टेंस को कैसे मेजर करोगे। किसी भी एक्ट में अगर बोला गया है, जैसे जनरली आप डायरेक्ट टैक्सेस जब पढ़ते हो तो इनकम टैक्स एक्ट में आपने पढ़ा है क्या, अगर इस बाउंड्री से बाहर होगा तो ये होगा, इस बाउंड्री से बाहर होगा, तो हम डिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे, डिस्टेंस हम कैसे मेजर करते हैं। कहता है डिस्टेंस शैल बी मेजर्ड इन स्ट्रेट लाइन ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन में स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस को मेजर किया जाता है, इतना ही आपको याद रखना है। अगर मेजरमेंट, बेटा कुणाल मैम राइटिंग प्रैक्टिस, बेटा 12वीं क्लास में नहीं हो आप, सीए के एग्जाम दे रहे हो, आई होप आप इस बात को समझते हो बेटा, है ना, दैट सॉल्व्स योर डाउट बेटा। मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, बेटा हम डिस्टेंस को कैसे मेजर करते हैं सारे बच्चे, मैडम स्ट्रेट लाइन में करते हैं ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन,
स्ट्रेट लाइन ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन एक जगह से दूसरे बीच में अगर हमें डिस्टेंस मेजर करना हो। अब ये तो और भी सिंपल है, ड्यूटी टू बी टेकन ऑन प्रोराटा इन एनैक्टमेंट्स, ड्यूटी टू बी टेकन प्रोराटा। लेट्स से कस्टम्स में लिखा हुआ है कि अगर आप 1000 एसीज मंगवाओगे ना, सॉरी 1000 रुपए का आपके ऊपर कस्टम्स लगेगा अगर आप 10 एसी मंगवाते हो। तो लेट्स से लिखा हुआ है कि अगर आप 10 एसी मंगवाओगे तो आपके ऊपर 1000 रुपए कस्टम्स लगेगा। तो मतलब एक एसी मंगवाओगे तो कितना कस्टम लगेगा, 100 रुपया का कस्टम मिलेगा, 100 रुपया का कस्टम लगेगा। वैसे अगर मान लो तुम 11 टीवी मंगवाओगे तो कितना लगेगा, 1100 रुपए का कस्टम लगेगा। अगर आप 9 एसी मंगवाओगे तो कितना का कस्टम लगेगा, 9 एसी मंगवाने पे 900 का कस्टम लगेगा। तो कहता है ड्यूटी को आप प्रोराटा बेसिस पे कैलकुलेट करो। कहता है कस्टम की ड्यूटी या एक्साइज की ड्यूटी अगर क्वांटिटी के हिसाब से लग रही है या वेट के हिसाब से लग रही है या क्वांटिटी वेट के हिसाब से लग रही है, गुड्स के वैल्यू के हिसाब से लग रही है, तो कहता है ड्यूटी इज लेवियबल अकॉर्डिंग टू द सेम रेट। सेम रेट के हिसाब से आप ड्यूटी लगाओगे ऑन ग्रेटर और लेस क्वांटिटी। मतलब अगर आप 10 एसी मंगवाते हो तो अगर 1000 रुपए लग रहे हैं तो आप 9 एसी मंगवाओगे तो 1000 रुपए नहीं लगेंगे, सेम रेट के हिसाब से 9 एसी का रेट लगेगा, दैट इज 900 लगेगा। अगर आप ज्यादा एसी मंगवाते हो, 11 एसी मंगवाते हो तो 1100 रुपए लगेंगे। कहता है ड्यूटी को आप प्रोराटा बेसिस पे कैलकुलेट करो। कहता है अगर एक्साइज की ड्यूटी, कस्टम की ड्यूटी वेट के हिसाब से या क्वांटिटी के हिसाब से लग रही है तो अगर आप ज्यादा वेट का सामान मंगवाओगे तो ज्यादा ड्यूटी लगेगी, कम का मंगवाओगे तो कम की ड्यूटी लगेगी, मतलब सेम रेट पे लगेगी। रेट क्या है, एक एसी का रेट है 100 रुपए का। तो अगर तुम 10 से ज्यादा मंगवाओगे तो उस हिसाब से लगेगा सेम रेट, अगर 10 से कम मंगवाओगे तो उसी हिसाब से कस्टम्स लगेगा। तो मतलब कहता है ड्यूटी को प्रोराटा बेसिस पे कैलकुलेट कर लो, सिंपल बात। सिंपल, कस्टम की ड्यूटी, एक्साइज की ड्यूटी अगर क्वांटिटी वेट के हिसाब से लग रही है तो ड्यूटी कैसे लगेगी, सेम रेट के हिसाब से लगेगी ऑन द ग्रेटर और लेस क्वांटिटी। चाहे तुम ज्यादा मंगवा लो कम मंगवा लो, सेम रेट के हिसाब से प्रोराटा बेसिस पे ड्यूटी कैलकुलेट की जाएगी। ठीक है, सिंपल है मैडम। जेंडर एंड नंबर, सेक्शन 13 किसके बारे में बात करता है मैडम? सेक्शन 13 कहता है अगर किसी भी सेंट्रल एक्ट में मैस्कुलाइन जेंडर को अगर आपने रेफर किया है तो कहता है ही इंक्लूड्स शी। अगर मान लो कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है ही शैल बी लायबल, तो अगर मस्कुलाइन जेंडर का रेफरेंस दिया हुआ है तो ही इंक्लूड्स शी। और अगर आपने सिंगुलर चीज का रेफरेंस दिया है तो सिंगुलर इंक्लूड्स प्लूरल। मतलब अगर आपने ऐसा बोला है कि डायरेक्टर कैन डू दिस, तो सिर्फ एक डायरेक्टर नहीं, डायरेक्टर इंक्लूड डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स में सारे क्या आ जाते हैं, डायरेक्टर्स आ जाते हैं। कहता है वेयर इन ऑल लेजिस्लेशंस एंड रेगुलेशंस, किसी भी एक्ट में, किसी भी लॉ में, अनलेस कुछ और इंटेंशन हो तो अदरवाइज, कहता है किसी भी लेजिस्लेशन में वर्ड्स इंपोर्टिंग द मैस्कुलाइन जेंडर शुड बी टेकन टू इंक्लूड फीमेल्स। मतलब अगर मान लो कंपनीज एक्ट में लिखा है ही शैल बी लायबल और ही शैल फाइल, तो ही शैल इंक्लूड शी। मतलब मैस्कुलाइन जेंडर का रेफरेंस दिया हुआ है तो क्या गर्ल्स ये बोलेगी क्या, मेरे भी नहीं लगता। देखो कंपनीज एक्ट को अच्छे से पढ़ो, उसमें लिखा है ही शैल फाइल, तो मैं तो शी हूं। अरे मस्कुलाइन जेंडर ही शैल इंक्लूड शी ऑल्सो, ओके सिंगुलर शैल इंक्लूड प्लूरल ऑल्सो, अच्छा ओके ओके। अब ये ना एक अच्छा, यहाँ पे आपकी बुक में ना स्टडी मैट में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको मैं रीड करना चाहूंगी, हो सकता है ऐसे एग्जाम्पल्स एग्जाम में भी आ जाए। कहता है एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है अ होल टाइम केएमपी शैल नॉट होल्ड ऑफिस इन मोर देन वन कंपनी एक्सेप्ट इट्स सब्सिडरी कंपनी एट द सेम टाइम। मतलब कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है कि अगर एक होल टाइम केएमपी है जो कंपनी के साथ काम कर रहा है, शैल नॉट होल्ड ऑफिस इन मोर देन वन कंपनी एक्सेप्ट इट सब्सिडरी। मतलब अगर कंपनी में कोई होल टाइम केएमपी है तो या तो वो उस कंपनी में काम कर सकता है या उसकी सब्सिडरी में काम कर सकता है। तो आपको बोला गया है सेक्शन 13 जनरल क्लॉजेस एक्ट के हिसाब से बताओ कि क्या एक होल टाइम केएमपी
अपॉइंट हो सकता है इन मोर देन वन सब्सिडरी, क्या होल टाइम केएमपी कंपनी की एक से ज्यादा सब्सिडरी में अपॉइंट हो सकता है? आंसर इज यस, हो सकता है. क्यों? क्योंकि सब्सिडरी शैल इंक्लूड सब्सिडरीज, मतलब सिंगुलर शैल इंक्लूड प्लूरल, मतलब मतलब अगर लॉ में ऐसा लिखा है कि एक होल टाइम केएमपी कोई और ऑफिस होल्ड नहीं कर सकता एक्सेप्ट सब्सिडरी, तो सिंगुलर वर्ड शैल इंक्लूड प्लूरल, मतलब सब्सिडरीज, मतलब एक कंपनी एक केएमपी एक से ज्यादा सब्सिडरीज में इंप्लॉय हो सकता है. समझा दीदी लोग? सब लायबल है अनंत. चलिए तो यहां पे कहता है वर्ड सिंगुलर शैल इंक्लूड प्लूरल, दस अ होल टाइम केएमपी ऑफिस होल्ड कर सकता है मोर देन वन सब्सिडरी एज पर द प्रेजेंट लॉ. सारे बच्चे समझे या? एवरीबडी अंडरस्टूड? यहां पे क्या लिखा है? कंपनीज एक्ट में ये चीज लिखी हुई है, क्वेश्चन में लिखोगे ये चीज लिखी हुई है, लेकिन जनरल क्लॉजेस एक्ट का सेक्शन 13 क्या कहता है? वर्ड सिंगुलर शैल इंक्लूड प्लूरल, ठीक है? तो देयरफॉर अ होल टाइम केएमपी मे होल्ड ऑफिस इन मोर देन वन सब्सिडरी एज पर द प्रेजेंट लॉ, ठीक है? मतलब सिंगुलर शैल इंक्लूड प्लूरल, तो सब्सिडरी शैल इंक्लूड सब्सिडरीज, तो एक होल टाइम केएमपी एक से ज्यादा सब्सिडरीज में ऑफिस को होल्ड कर सकता है. दिस इज व्हाट इट मींस. तो क्या यहाँ पे इंटरप्रिटेशन चल रहा है क्या? अब जीसी एक्ट को पढ़ के कंपनीज एक्ट को क्या कर रहे हो? इंटरप्रेट कर रहे हो कि कंपनीज एक्ट क्या कहना चाह रहा है, ठीक है? ओके. पावर एंड फंक्शंस, सेक्शन 14 टू सेक्शन 19. पावर कंफर्ड टू बी एक्सरसाइजेबल फ्रॉम टाइम टू टाइम. सेक्शन 14, मैं आपको समझाती हूं ये क्या कहता है. देखो कंपनीज एक्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी है क्या कि भी आप समय समय पे रूल्स बना सकते हो या नोटिफिकेशन वगैरह लाके क्या कर सकते हो. सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर दी है कि कंपनीज एक्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी है कि समय समय पे आप रूल्स नोटिफिकेशन बना सकते हो. तो कहता है वेयर एनी सेंट्रल एक्ट, मतलब जैसे कंपनीज एक्ट, एग्जाम्पल दे रही हूं, एनी पावर इज कन्फर्ड. कंपनीज एक्ट ने किसको पावर दी है? सेंट्रल गवर्नमेंट को. तो कहता है अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन अपीयर्स, ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सरसाइज कर सकता है फ्रॉम टाइम टू टाइम एज द ओकेजन रिक्वायर. तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जब सही लगेगा वो इस पावर को, रूल मेकिंग पावर को या नोटिफिकेशन लाने वाली पावर को यूज कर सकता है. कहता है अगर किसी सेंट्रल एक्ट ने पावर दिया है किसी भी अथॉरिटी को कोई रूल्स बनाने का, नोटिफिकेशन लाने का, तो वो अथॉरिटी उस पावर को यूज कर सकती है समय समय पर, जब सेंट्रल गवर्नमेंट को ठीक लगेगा, जब ओकेजन डिमांड करेगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स नोटिफिकेशन ला सकते हैं कंपनीज एक्ट में, ठीक है? ओके, समझा? ओके, कोई बात नहीं. सुदर्शन सूर्यवंशी, थैंक यू बेटा. कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं बेटा, थैंक्स बेटा, कोई दिक्कत नहीं. आजा बेटा, तू भी पढ़ ले. ऑलराइट. पावर टू अपॉइंट टू इंक्लूड पावर टू अपॉइंट एक्स ऑफिशियो, मतलब मैडम इसका मतलब क्या होता है? पावर टू अपॉइंट एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या होता है? सारे बच्चे यहां ध्यान देंगे. देखो लेट्स से एक कंपनी है एक्स वाई जेड लिमिटेड, ठीक है बेटा? एक कंपनी है एक्स वाई जेड लिमिटेड. इस कंपनी में एक मैनेजिंग डायरेक्टर है, उस मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम है, क्या नाम है? सूर्या सुदर्शन ही रख दे क्या बेटा? कहां चला गया सुदर्शन का कमेंट? सुदर्शन ही था ना? सुदर्शन, चलो सुदर्शन को एमडी बना देते. सुदर्शन ही था ना? चल बेटा सुदर्शन, देख तेरे साथ करेंगे अब ओवर एक्टिंग, ठीक है? चल आजा बेटा, आजा बेटा, आजा. एक्स वाई जेड लिमिटेड का मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? सुदर्शन जी. हम प्यार से, हम रिस्पेक्ट देंगे, सुदर्शन जी. ओके, तो बेसिकली एक्स वाई जेड लिमिटेड का एमडी था सुदर्शन जी. सुदर्शन जी को अपॉइंट किसको करना था? सुदर्शन जी को अपॉइंट करना था लेट्स से एक सीएस को. लेट्स से सुदर्शन जी को अपॉइंट करना था एक सीएस को, चलो एक सीएस नहीं, मैनेजर कर देते. सुदर्शन को अपॉइंट करना था एक मैनेजर को. एमडी के पास पावर था मैनेजर अपॉइंट करने का. तो ये जो मैनेजिंग डायरेक्टर है ये अपॉइंट कर सकता है बाय नेम. बाय नेम मतलब, बाय नेम अपॉइंट करना मतलब क्या होता है?
बाय नेम अपॉइंट करना मतलब क्या होता है, किसी भी आदमी का एक्सपीरियंस देख के, किसी भी आदमी का टैलेंट देख के, किसी भी आदमी का स्किल देखकर आप किसी को अपॉइंट करो, उसे कहते हैं अपॉइंटमेंट बाय नेम। ठीक है, और अपॉइंटमेंट एक्स ऑफिशियो मतलब क्या होता है, एक्स ऑफिशियो मतलब उसकी प्रीवियस ऑफिशियो मतलब पोजीशन देख के अपॉइंट करना, या एक्स ऑफिशियो अपॉइंट करना मतलब किसी की प्रीवियस पोजीशन देख के अपॉइंट करना। लेट्स से सुदर्शन जी जो है एमडी, उन्होंने किसको अपॉइंट किया, उन्होंने अपॉइंट किया तनुश्री को, तनुश्री ऑलरेडी उस कंपनी में एज अ सीए अपॉइंटेड थी, तो इसी को उसने क्या बना दिया, मैनेजर बना दिया, इसी को क्या बना दिया, मैनेजर बना दिया। तो मतलब इसे कहते हैं अपॉइंटिंग एक्स ऑफिशियो। अपॉइंटमेंट बाय नेम मतलब क्या होता है, किसी के टैलेंट, किसी के एक्सपीरियंस, जिसके नॉलेज को देख के अपॉइंट करना, और एक्स ऑफिशियो अपॉइंट करना मतलब क्या होता है, उसकी प्रीवियस पोस्ट को देख के अपॉइंट करना। जैसे उसने ये देखा कि यार तनुश्री तो ऑलरेडी सीए है, इसी को मैनेजर बना देते हैं, तो उसे कहते हैं एक्स ऑफिशियो। एक्स मतलब प्रीवियस, एक्स तो तुम्हें पता ही है प्रेजेंट तो हो नहीं सकती ना, जो एक्स हो गया वो तो एक्स ही हो गया, प्रीवियस, ऑफिशियो मतलब पोस्ट। तो कहता है ओके, वेयर बाय एनी लेजिस्लेशन और रेगुलेशन, अगर किसी लॉ ने किसी को पावर दिया है टू अपॉइंट एनी पर्सन, मतलब अगर किसी लेजिस्लेशन ने, लॉ ने पावर दिया है, जैसे एमडी को पावर दिया है टू अपॉइंट एनी पर्सन, तो ये जो अपॉइंटमेंट होगा, सच अपॉइंटमेंट, ये जो मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट करेगा, ये अपॉइंटमेंट इधर बाय नेम हो सकता है और बाय द वर्च्यू ऑफ ऑफिस, दैट इज एक्स ऑफिशियो हो सकता है। ठीक है, अगर लॉ ने किसी एक आदमी को पावर दिया है किसी दूसरे आदमी को अपॉइंट करने का, तो ये अपॉइंटमेंट हो सकता है बाय नेम हो, या हो सकता है बाय द वर्च्यू ऑफ ऑफिस हो। ठीक है बेटा, ठीक है, अगर लॉ ने पावर दिया है किसी एक आदमी को टू फिल एनी ऑफिस, किसी एक पोजीशन को फिल करने का पावर एक आदमी के पास है, तो वो आदमी उस अपॉइंटमेंट को कर सकता है ईदर बाय नेम और ईदर बाय द वर्च्यू ऑफ ऑफिस। वेरी गुड, समझ में आ गया। हां जी मैडम, ये तो बहुत ही सिंपल है। किसी के पास अगर पावर है किसी आदमी को अपॉइंट करने का, अगर एक आदमी के पास पावर है, लेट्स से सुदर्शन जी के पास पावर था एक आदमी को अपॉइंट करने के लिए, तो सुदर्शन जी के पास पावर है उस आदमी को सस्पेंड या डिसमिस करने का भी। कहता है पावर टू मेक द अपॉइंटमेंट, अगर किसी के पास पावर है किसी आदमी को अपॉइंट करने का, तो उसके पास एक और पावर है उस आदमी को सस्पेंड या डिसमिस करने का भी पावर है। ठीक है, ओके, सुदर्शन को आया, इतना भाव नहीं देंगे। प्रियांशु कह रहा है मैम सुदर्शन से पूछो उसको आया समझ या नहीं आया। नथिंग विथ स्टैंडिंग, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन द एक्ट, क्या कहता है, बाहर में गया किसी को आया कि नहीं आया, मेरे बच्चों को आया कि नहीं आया, मुझे उससे मतलब है, तुम्हें आया ना, बस उसी से मतलब है। चलिए, सब्स्टिट्यूशन ऑफ फंक्शनरीज मतलब क्या है, इन ऑर्डर टू अप्लाई लॉ टू एनी पर्सन, अगर आप लॉ को एक पर्सन पे लगाना चाहते हो, लेट्स से आप लॉ को लगाना चाहते हो किसी एक आदमी पे, जैसे एमडी पे लगाना चाहते हो, लेट्स से आप लॉ किसी एक आदमी पे लगाना चाहते हो, किस पे, मैनेजिंग डायरेक्टर पे, या किसी किन्हीं आदमियों पे लगाना चाहते हो, लेट्स से या तो डायरेक्टर्स पे लगाना चाहते हो, तो मेंशनिंग ऑफ ऑफिशियल टाइटल ऑफ दैट पर्सन इज सफिशिएंट, तो उस आदमी का ऑफिशियल टाइटल मेंशन करोगे तो चल जाएगा। मतलब लेट्स से अगर आप लॉ लगाना चाहते हो, लेट्स से अगर आप लॉ किस पे लगाना चाहते हो, लेट्स से अगर आप लॉ लगाना चाहते हो मोटा भाई पे, मोटा भाई कौन हुए, रिलायंस के मोटा भाई पे अगर आप लॉ लगाना चाहते हो, मुकेश भाई पे लॉ लगाना चाहते हो, तो आप ये नहीं लिखोगे कि दिस लॉ इज एप्लीकेबल टू मुक्कू भैया, दिस लॉ इज एप्लीकेबल टू मोटा भाई, नहीं, आप रिलायंस के एमडी उसके ऑफिशियल टाइटल को रेफर करोगे, दैट दिस लॉ इज एप्लीकेबल टू द मैनेजिंग डायरेक्टर, उसका नाम नहीं पर उसका जो भी ऑफिशियल टाइटल है वो मेंशन करते हो। कहता अगर आप ये पर्टिकुलर लॉ, जैसे कंपनीज एक्ट में कोई चीज आप डायरेक्टर पे लगाना चाहते हो, तो उसका ऑफिशियल टाइटल जैसे डायरेक्टर्स पे एप्लीकेबल है, अगर आप लॉ किन्हीं लोग किसी एक आदमी पे या कुछ लोगों पर लगाना चाहते हो, तो उन लोगों का आप ऑफिशियल टाइटल मेंशन करते हो, वो सफिशियंट है। ठीक है, चलिए,
वेरी वेरी गुड, ओके 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 परफेक्ट। सक्सेसर्स, सक्सेसर से पहले ये पढ़ लो, ऑफिशियल चीफ्स एंड सबॉर्डिनेट्स, मतलब क्या है? अगर सुपीरियर का काम उसके सबॉर्डिनेट्स करते हैं, तो जो लॉ सुपीरियर पे लगेगा वो लॉ सबॉर्डिनेट पे भी लगेगा। मतलब लेट्स से अगर कमिश्नर का काम वो नहीं करके कोई डिप्यूटी कमिश्नर करता है, कमिश्नर का काम किसकी ड्यूटी थी काम करने की, कमिश्नर की, पर वो काम अगर डिप्यूटी कमिश्नर ने किया तो जो लॉज कमिश्नर पे लगते हैं वो लॉज डिप्यूटी कमिश्नर पे भी लगेंगे। मतलब अ लॉ रिलेटिव टू द चीफ और सुपीरियर ऑफ एन ऑफिस, अगर लॉ एक सुपीरियर पे लगता है तो वो सेम लॉ अप्लाई करेगा डिप्यूटीज सबॉर्डिनेट्स के ऊपर भी लॉफुली अप्लाई करेगा जो उस काम को कर रहे हैं सुपीरियर की जगह। अगर सुपीरियर की जगह सुपीरियर का काम सुपीरियर के सबॉर्डिनेट्स कर रहे हैं तो जो लॉ सुपीरियर पे लगता है लॉफुली वो लॉ सबॉर्डिनेट्स के ऊपर भी लगेगा। समझा गया? चलो अब ब्रेक है तुम्हारा। सेक्शन 19 हमने अभी अभी पढ़ा। अ लॉ इफ द वर्क ऑफ लॉ इज परफॉर्म्ड बाय, इफ द वर्क ऑफ सुपीरियर इज परफॉर्म्ड बाय हिज सबॉर्डिनेट्स, देन द लॉ दैट इज एप्लीकेबल ऑन द सुपीरियर शैल ऑल्सो बी एप्लीकेबल ऑन द सबॉर्डिनेट्स हु आर परफॉर्मिंग द वर्क ऑफ सुपीरियर, जो सुपीरियर का काम कर रहे हो वो। ठीक है, जो लॉफुली किसका काम कर रहे हो, कहता है जो डिप्यूटीज या जो सबॉर्डिनेट्स लॉफुली सुपीरियर की जगह काम कर रहे हो। अब ये सबॉर्डिनेट जो है बिल्कुल लॉ के हिसाब से लॉफुली क्या कर रहा है, सुपीरियर का काम कर रहा है, लॉफुली परफॉर्म्स द ड्यूटी ऑफ सुपीरियर। ये सबॉर्डिनेट लॉ के हिसाब से सुपीरियर का काम कर रहा है, ड्यूटी सुपीरियर की जो ड्यूटी है वो परफॉर्म कर रहा है, तो जो लॉ सुपीरियर पे लगेगा वो लॉ सबॉर्डिनेट्स पे भी लगेगा। ओके बेटा, 2-3 मिनट का ब्रेक है, 4 मिनट, ऑड नंबर मुझे पसंद नहीं है, तो 4 मिनट का ब्रेक दे देते हैं, उसके बाद हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, वेरी वेरी सिंपल, ज्यादा बाकी नहीं है। ओके, हां जी, यस उत्कर्ष, सेम होता है बेटा, एक एक्ट को कंस्ट्रक्ट करना या इंटरप्रेट करना इज द सेम। सारे बच्चों को सेक्शन समझ में आ रहे हैं क्या बेटा? हमने बहुत सारे सेक्शन यहां पे पढ़े, यहां पे हमने बहुत सारे सेक्शन पढ़े, आई होप आपको समझ में आ रहा हो। सचिन कह रहा है मैडम ब्रेक में सेक्शन 17 को रिपीट कर दो। सेक्शन 17 बेटा, अगर मान लो कंपनीज एक्ट, अरे कंपनीज एक्ट अगर एक लॉ अप्लाई करना चाहता है, कंपनीज एक्ट एक कानून अगर एक सर्टिक कुछ लोगों पे लगाना चाहता है, चल यहां पे लिख देते हैं, मैम गणेश की कचौरी बढ़िया थी। ये क्या है बेटा, कौन सा गणेश है? आज तक मैंने सिर्फ जयपुर के रावत की कचौरियां खाई है, गणेश की कचौरी पता नहीं बेटा। चल इधर आ जा, हे बहका मत मुझे कचौरी की बातें करके, चल तो मेरे को इधर आओ। मैं क्या बोल रही थी, देखो बहक गई ना, मुझे उस जोन में चली गई, खाने के जोन में चली गई। कंपनीज एक्ट अगर एक लॉ अप्लाई करना चाहता है, किस पे, किसी एक आदमी पे या किसी नंबर ऑफ पर्संस पे, तो आप कैसे लगाओगे? तो कैसे लगाओगे, आप उस पर्सन का ऑफिशियल टाइटल मेंशन कर दो। अब जैसे मेरी क्लास में मैं कुछ लॉ
आप सब पर लगाना चाहती हो तो क्या एक एक बच्चे का नाम मेंशन करूंगी? नहीं, मैं आपका ऑफिशियल टाइटल क्या है, स्टूडेंट, वो मेंशन कर दूंगी। तो वैसे ही अगर कोई एक्ट, अगर कोई लॉ आप अप्लाई करना चाहते हो टू सर्टेन पर्सन और नंबर ऑफ पर्सन, देन यू शैल मेंशन देयर ऑफिशियल टाइटल, उनका ऑफिशियल टाइटल मेंशन कर दो, ठीक है। ये खाने की बातें मत करो, प्रियांशु कह रहा है, मैं भी बोलती हूँ सक्सेसफुली, खाने की बातें मत करो। तो मैम ये नोट कहां से मिलेगा? स्टडी मटेरियल से मिलेगा, मैंने भी वहीं से लिया है। रोशन कह रहा है मैडम सुनो ना, ये जो आप पढ़ा रही हो ये कहां से मिलेगा? स्टडी मैट, मैंने भी वहीं से निकाला है। मैम सुनो ना, आपके रिविजन लेक्चर से रिवाइज करे तो सही है ना, सेल्फ नहीं होता बेटा। स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन गलत बातें कर दी हो ना बेटा मेरे से। तो अब एक बात बता, मैं तो पढ़ा रही हूं पर तेरे को कितना याद हो रहा है वो तो तुझे खुद ही एनालिसिस करना पड़ेगा ना। स्पाइडरमैन क्या कर रहे हो आप, हैं? स्पाइडरमैन कह रहे मुझसे खुद से पढ़ाई नहीं होती, ये क्या मतलब हुआ? मैं तो तुम्हें रिवाइज करा सकती हूँ, तुम्हें याद हुआ कि नहीं वो तो तुझे एनालिसिस करना होगा ना, सेल्फ स्टडी करके। हाँ ये तो सही बात है। स्पाइडरमैन कह रहा हाँ गलती हुई। प्रियंका मैंने ऑलरेडी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तीनों स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स को अपलोड कर रखा है, वहां से रिवाइज कर लेना। अगर आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दीपिका राठी लिखते हो तो आ जाएगा, ठीक है। मैम सेक्शन नहीं लिखा तो मार्क्स कट हो जाएंगे क्या? नहीं, एज पर द प्रोविजन ऑफ जनरल क्लॉज एक्ट, ये सेक्शन याद रखने की जरूरत नहीं है। तुम्हें कंपनीज एक्ट के सेक्शन याद नहीं होते, काहे के जनरल क्लॉजेस के सेक्शन तुम याद रखोगे? एज पर द प्रोविजन ऑफ द जनरल क्लॉजेस एक्ट, ऐसे लिख देना, ठीक है। चलिए आ जाओ इधर सारे बच्चे, अब यहां पे ध्यान देंगे एवरीबडी। कहता है देखो, अगर एक एक्ट को लेकर कोई भी रूल, स्कीम, ऑर्डर, नोटिफिकेशन इशू किया जाता है, उन नोटिफिकेशन, ऑर्डर, स्कीम, रूल में कोई भी एक्सप्रेशन यूज किया जाता है तो उस एक्सप्रेशन का सेम मीनिंग होगा जैसा एक्ट में होता है। मतलब अगर एक एक्ट को लेके कोई ऑर्डर, स्कीम, नोटिफिकेशन वगैरह इशू हो रहे हैं, उसमें जो एक्सप्रेशन यूज हो रहे हैं उन एक्सप्रेशन का सेम मतलब होगा जो उनका मतलब एक्ट में होता है। ऑफ कोर्स ऐसा तो नहीं होना सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में गुड्स का मतलब ये है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के ऊपर कोई, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का कोई नोटिफिकेशन इशू है उसमें गुड्स का मतलब कुछ और है? नहीं ना, ऑफ कोर्स नहीं होगा ना। ओके कहता है अगर किसी के पास पावर है, इफ एनी पावर इज कन्फर्ड टू इशू एनी नोटिफिकेशन, जिसको पावर दिया गया है नोटिफिकेशन इशू करने का, ऑर्डर इशू करने का, रूल इशू करने का, बायलॉज इशू करने का, उसके पास पावर है इन, उसके पास पावर है टू एड, अमेंड, वेरी, रिसाइंड एनी नोटिफिकेशन। मतलब जिसके पास पावर है नोटिफिकेशन ऑर्डर को इशू करने का, उसके पास पावर है नोटिफिकेशन को एड, अमेंड, रिसाइंड करने का भी पावर है। सेक्शन 21 कहता है जिस अथॉरिटी के पास पावर है, जिस अथॉरिटी के पास पावर है रूल बनाने का या ऑर्डर पास करने का, उस अथॉरिटी के पास पावर है, उस अथॉरिटी के पास पावर है रूल को अमेंड करने का भी। जिसके पास रूल बनाने का पावर है उसको, उसके पास रूल अमेंड करने का भी पावर है। ऑफकोर्स अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है रूल बनाने का, तो रूल्स में अगर कोई अमेंडमेंट लाना है तो वो भी पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। चलिए अब मुझे एक बात बताओ, कंपनीज एक्ट व्हेन डिड इट केम इनटू फोर्स, भारत में कंपनीज एक्ट कब लागू हुआ? 30 अगस्त 2013 को कंपनीज एक्ट लागू हुआ। तो सारे सेक्शंस एक साथ आ गए थे क्या? सारे सेक्शंस एक साथ आ गए थे क्या? फर्स्ट सेक्शन इस डेट को आ गया था, पर उसके बाद 98 सेक्शंस कौन सी डेट को आए थे? 12 सितंबर 2013 को आए थे। उसके बाद 184 सेक्शंस 1/4/2014 को आए थे। तो कहता है जो सेक्शन जब आया उसी दिन माना जाएगा वो आया। मतलब अब ये नहीं है कि 98 सेक्शंस अगर 98 सेक्शन अगर 12 सितंबर को आए थे तो ये माना जाएगा कि वो 30 अगस्त को आ गए थे। नहीं, डेट ऑफ एनी रूल एंड रेगुलेशन शैल बी द डेट ऑन विच द स्पेसिफिक ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू द रूल्स रेगुलेशन इज इशूड। जिस दिन ये सेक्शंस आए वही डेट उनकी डेट ऑफ एनएक्टमेंट मानी जाती है। मतलब
ऐसा नहीं माना जाएगा कि जिस दिन पूरा का पूरा एक्ट, जिस दिन पूरा का पूरा एनैक्टमेंट आया उस दिन ये रूल्स रेगुलेशंस आ गए, ऐसा नहीं माना जाएगा। डेट ऑन विच, जिस दिन ये स्पेसिफिक सेक्शंस आए, जैसे 12 सितंबर को आए तो उनका कौन सा डेट माना जाएगा, कौन से डेट को आए, 12 सितंबर को आए, ये 30 अगस्त को आए, ऐसा नहीं माना जाएगा। इट शुड नॉट बी द डेट ऑफ द एनैक्टमेंट एक्ट, जिस दिन लॉ आया उस दिन ये सारे एक्ट सेक्शंस आ गए, ऐसा नहीं माना जाता। जिस दिन जो सेक्शन आया वो उसी दिन, उस स्पेसिफिक दिन का ही उसका डेट माना जाता है, ठीक है, ओके। डेट ऑन विच द स्पेसिफिक ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रूल्स एंड रेगुलेशन इज इशूड, जिस दिन वो डेट को इशू हुआ वही डेट मानी जाएगी, ओके। सेक्शन 23, सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 23, मैं रिपीट नहीं करूंगी बेटा, ध्यान दोगे सेक्शन 23 को, अच्छा इंपॉर्टेंट है बेटा। सेक्शन 23 जनरली क्या होता है, जनरली क्या होता है, जनरली हमेशा पहले रूल वगैरह बनते हैं, उसके बाद फिर वो ऑफिशियल गजटे में प्रिंट हो जाते हैं और पूरे देश पे लागू हो जाते हैं। जनरली ऐसा ही होता है, कोई एक्ट बनता है और फिर उसके बाद पूरे ऑफिशियल गजटे में प्रिंट हो जाता है, उसके बाद पूरे भारत में लागू हो जाता है, जनरली ऐसा ही होता है, करेक्ट। बट कभी कभी क्या होता है, कभी कभी, कभी कभी सेक्शन 23 कहता है, पढ़िएगा यहां पे मेरे साथ, जिन अथॉरिटीज के पास पावर होता है टू मेक रूल्स और बायलॉज, जिन भी अथॉरिटी के पास रूल बनाने का पावर है, जिन भी अथॉरिटीज हैविंग पावर टू मेक रूल्स रेगुलेशंस, जिन अथॉरिटी के पास पावर है रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने का, वो अथॉरिटीज क्या करती है, एक ड्राफ्ट बनाती है प्रपोज्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस का, ड्राफ्ट प्रपोज मतलब जो रूल्स वो लाना चाहते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं, क्या कहती है ये अथॉरिटीज रूल को बनाने से पहले, जिन अथॉरिटीज के पास पावर होता है रूल्स को बनाने का, बायलॉज को बनाने का, वो अथॉरिटीज रूल्स को बनाने से पहले, बिफोर मेकिंग देम, एक ड्राफ्ट पब्लिश करते हैं इन प्रपोज्ड रूल्स और रेगुलेशन का, क्या करते हैं, पब्लिश अ ड्राफ्ट, वो लोग क्या करते हैं, पब्लिश करते हैं, पब्लिश अ ड्राफ्ट ऑफ द प्रपोज्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस, कहते हैं रूल बनाने से पहले, बिफोर मेकिंग रूल्स, रूल्स को बनाने से पहले ये अथॉरिटीज क्या करते हैं, ड्राफ्ट पब्लिश करते हैं इन प्रपोज्ड रूल्स और रेगुलेशंस का। पब्लिश कैसे करते हैं, ये ड्राफ्ट को पब्लिश कैसे करते हैं, ये पब्लिश करते हैं इन द मैनर, इन द मैनर डिसाइडेड बाय अथॉरिटी, जैसा भी अथॉरिटी डिसाइड करती है उस हिसाब से इस ड्राफ्ट को ये लोग पब्लिश कर देते हैं। एंड इस ड्राफ्ट के साथ आप एक नोटिस अटैच करते हो, इस नोटिस में आप डेट स्पेसिफाई करते हो कि उस दिन को या उस दिन के बाद से, उस दिन को या उस दिन के बाद क्या करेंगे ये लोग, रूल्स पे काम करना स्टार्ट कर देंगे। तो अगर कोई रिकमेंडेशन देना चाहता है तो उस दिन से पहले पहले रिकमेंड कर दे। तो सबसे पहले कहता है जिस अथॉरिटी के पास रूल मेकिंग पावर है, कभी कभी वो क्या करते हैं, रूल को बनाने से पहले इस ड्राफ्ट को पब्लिश करते हैं। ये जो पब्लिकेशन किया जाता है ये इस मैनर में किया जाता है जैसा कि अथॉरिटी डीम्स टू बी मेकिंग इट सफिशिएंट, मतलब जैसा अथॉरिटी को डीम फिट लगे, जैसा अथॉरिटी को ठीक लगे, उस तरीके से ये क्या करते हैं, पब्लिश करते हैं। एंड दे शैल बी पब्लिश्ड विद अ ड्राफ्ट अ नोटिस, आप ड्राफ्ट के साथ क्या अटैच करते हो, एक नोटिस भी अटैच करते हो, जिस नोटिस में आप एक डेट स्पेसिफाई करते हो कि इस डेट को या इस डेट के बाद ड्राफ्ट विल बी टेकन इनटू कंसीडरेशन, मतलब इस ड्राफ्ट पे ये लोग काम करेंगे इस दिन के बाद। तो इस दिन तक अगर कोई रिकमेंडेशन देना चाहता है तो दे सकता है। द अथॉरिटी हैविंग पावर टू मेक रूल्स बायलॉज, अगर जिन जो अथॉरिटी रूल्स को बना रही है अगर उन्हें किसी और, किसी अदर अथॉरिटी का सैंक्शन लेना है, अप्रूवल लेना है या कॉन्ग्रेंस लेना है तो वो ले लेते हैं। जो अथॉरिटी शैल ऑल्सो कंसिडर एनी ऑब्जेक्शन और सजेशन,
बाय अनदर अथॉरिटी। अगर कोई अनदर अथॉरिटी, मान लो जिसका सैंक्शन या अप्रूवल लेने की जरूरत है, तो वो लोग उनका अप्रूवल ले लेते हैं। अगर उन्होंने कोई ऑब्जेक्ट किया है किसी चीज पर, तो उनका ऑब्जेक्शन सजेशन भी ले लेते हैं। और बाद में क्या किया जाता है, इसे पब्लिकेशन किया जाता है ऑफिशियल गजेटे में, रूल को ऑफिशियल गजेटे में प्रूफ किया जाता है। दैट्स अ कंक्लूसिव प्रूफ कि भारत में वो रूल लागू हो गया। ठीक है, ओके सारे बच्चे, प्रियांशु इतना भाव नहीं देना बेटा ऐसे लोगों को, अटेंशन सीकर्स होते हैं ये लोग, इन्हें भाव नहीं देना हमें। ठीक है, इनकी जिंदगी के साथ ये क्या कर रहे हैं यही जानते हैं, हमें कोई मतलब नहीं है, हम समय व्यर्थ नहीं करेंगे ऐसे लोगों पे। चलिए सारे बच्चे समझ गए, मुझे एक बात बताओ, सेक्शन 23 क्या कहता है। वैसे तो देखो, जिस अथॉरिटी के पास रूल बनाने का पावर होता है, वो अथॉरिटी रूल बनाती है और ऑफिशियल गजेटे में प्रिंट हो जाता है और पूरे देश पे लागू हो जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आप लोग मेरे साथ रिपीट करोगे, कभी कभी क्या होता है सारे बच्चे, जिन अथॉरिटीज के पास रूल बनाने की पावर है, अथॉरिटीज हैविंग पावर टू मेक रूल, जिन अथॉरिटीज के पास पावर है रूल बनाने का, वो लोग क्या करते हैं, बिफोर मेकिंग रूल्स, रूल्स को बनाने से पहले क्या करते हैं बेटा, तुम लोग मुझे बताओ, रूल को बनाने से पहले आप पब्लिश कर देते हो एक ड्राफ्ट, पब्लिश अ ड्राफ्ट ऑफ प्रपोज्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस। आप ना लोगों में पब्लिश कर देते हो कि इस तरीके का रूल हम लाना चाहते हैं। रूल बनाने से पहले रूल मेकिंग अथॉरिटी ड्राफ्ट कर, एक ड्राफ्ट जो है प्रपोज्ड रूल्स रेगुलेशंस की, ये आप लाना चाहते हो, उसका ड्राफ्ट आप क्या कर देते हो, पब्लिश कर देते हो। पब्लिश कैसे करते हो, जैसा अथॉरिटी डिसाइड करती है, जैसा अथॉरिटी को ठीक लगता है, पब्लिश इन द मैनर, इस तरीके से पब्लिश करते हो, एज डिसाइडेड बाय अथॉरिटी, जैसा अथॉरिटी को ठीक लगे उस तरीके से आप पब्लिश कर देते हो। एंड आप इस ड्राफ्ट के साथ क्या अटैच करते हो, आप इस ड्राफ्ट के साथ एक नोटिस अटैच करते हो, उस नोटिस में आप डेट स्पेसिफाई करते हो कि डेट ऑन विच, किस दिन आप क्या करेंगे, ड्राफ्ट को कंसिडर करेंगे। तो इस दिन के पहले पहले अगर कोई अपने सजेशंस वगैरह भेजना चाहता है तो भेज सकता है। और अगर आपको इस अथॉरिटी को किसी दूसरे अथॉरिटी का भी सैंक्शन लेना जरूरी है, तो आप सैंक्शन ले लेते हो, अप्रूवल ले लेते हो अनदर अथॉरिटी का, अप्रूवल ऑफ अनदर अथॉरिटी सैंक्शन, अप्रूवल या सैंक्शन ऑफ अनदर अथॉरिटी इज टेकन, इफ अनदर अथॉरिटी हैज एनी ऑब्जेक्शन, एनी सजेशन, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड। और उसके बाद में पब्लिश कर देते हो, किस में, ऑफिशियल गजेटे में। सारे बच्चे समझा, सारे बच्चे समझा, ऑफिशियल गजेटे में प्रिंट हो गया, डीए ऑफिशियल मतलब भारत में लागू हो गया ना, कोई भी अमेंडमेंट वगैरह आता है वो ऑफिशियल गजेटे में प्रिंट हो जाता है, मतलब भारत में लागू हो जाता है। सारे बच्चे समझ में आ गया क्या, कभी कभी क्या होता है, आप क्या करते हो, आप सबसे पहले एक ड्राफ्ट बनाते हो, ड्राफ्ट को पब्लिश कर देते हो, उसके साथ एक डेट मेंशन कर देते हो कि इस दिन तक अपने रिकमेंडेशन भेज दो। फिर अगर आपकी अथॉरिटी को किसी दूसरे अथॉरिटी का अप्रूवल लेने की जरूरत है तो उनका अप्रूवल ले लेते हो, बाद में फाइनल होते ही ऑफिशियल गजेटे में प्रिंट कर देते हो। चलिए ऑल राइट, अब आपका बहुत छोटे छोटे सेक्शन है, सेक्शन 23 सबसेक्शन 5 रेजेस अ कंक्लूसिव प्रिजम्पशन दैट आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ द रूल इन द ऑफिशियल गजेटे, एक बार एक रूल ऑफिशियल गजेटे में मतलब प्रिंट हो गया, पब्लिकेशन हो गया, इट इज टू बी इंटरप्रेटेड दैट प्रोसीजर फॉर मेकिंग द रूल्स हैव बीन फॉलोड, मतलब अगर ऑफिशियल गजेटे में प्रिंट हो गया मतलब सारे रूल्स को फॉलो किया गया है। ओके, कहता अगर कोई चीज रिपील्ड एक्ट, लेट से कौन सा रिपील्ड एक्ट है, 1956 का एक्ट एक रिपील्ड एक्ट है, 2013 वाला जो कंपनीज एक्ट है वो रीएनएक्टेड एक्ट है, रीएनएक्टेड उसकी जगह जो एक्ट आया वो है कंपनीज एक्ट 2013। कहते जो बातें रिपील्ड एक्ट में लिखी हुई है वो बातें कंपनीज एक्ट 2013 अगर कोई दूसरी बात नहीं बोलता तो वही सेम बातें क्या रहेगी, लागू रहेगी। कहता है कोई भी ऑर्डर, कोई भी स्कीम, कोई भी प्रोविजन जो रिपील्ड एक्ट में लिखा हुआ है वो कंटिन्यू टू अप्लाई, वो अप्लाई होता रहेगा अनलेस सरपसीडेड बाय न्यू एक्ट, अनलेस की नई एक्ट कोई नई बात बोले। अगर न्यू एक्ट कोई नई बात नहीं बोलता तो जो पुराने एक्ट में लागू था वही लागू होता रहेगा। कहता कोई भी प्रोविजन एक रिपील्ड एक्ट का कंटिन्यू टू अप्लाई अनटिल एंड अनलेस इट्स इनकंसिस्टेंट विद द न्यू एक्ट, मतलब अगर कोई बात रिपील्ड एक्ट में लिखी हुई थी
वो बात अप्लाई होगी, कंटिन्यू टू अप्लाई, जब तक कि कंपनीज एक्ट 2013 कोई दूसरी बात नहीं कर देता या कोई ऐसी बात नहीं कर देता जो इनकंसिस्टेंट हो रिपील एक्ट से। ठीक है, सारे बच्चे समझ में आ गया? तो कहता है एनी प्रोविजंस, अगर कोई प्रोविजन लिखा हुआ है रिपील्ड एक्ट के अंदर, अगर कोई प्रोविजन रिपील्ड एक्ट में लिखा हुआ है, कहता है ये प्रोविजन विल कंटिन्यू टू अप्लाई, ये प्रोविजन विल कंटिन्यू टू अप्लाई, विल कंटिन्यू टू अप्लाई अनलेस इट इज इनकंसिस्टेंट विद द न्यू एक्ट, अनलेस वो इनकंसिस्टेंट हो किसके साथ, न्यू एक्ट के साथ। ओहो, जो लिखी हुई बातें हैं वो अप्लाई होती रहेगी अंटिल एंड अनलेस न्यू एक्ट के साथ कोई बात इनकंसिस्टेंट हो। अब बेटा लास्ट मिसलेनियस बहुत ही छोटे छोटे सेक्शंस हैं जिनको आप अपने आप से पढ़ सकते हो। इसमें एक सेक्शन मुझे हमेशा इंपॉर्टेंट लगता है, दैट इज मीनिंग ऑफ सर्विस बाय पोस्ट। इसका मतलब क्या होता है, अगर मान लो आपने कोई भी लॉ वगैरह पढ़ा, वेर एनी लेजिस्लेशन और रेगुलेशन रिक्वायर, मान लो किसी भी लॉ में, लेट्स से कंपनीज एक्ट में अगर ये लिखा हुआ है कि इस डॉक्यूमेंट को सर्व बाय पोस्ट करना है, तो आप क्या अज्यूम करोगे, आप क्या प्री अज्यूम करोगे, जहां पे भी लिखा होगा सर्वड बाय पोस्ट तो क्या माना जाएगा कि ये नोटिस प्रॉपरली एड्रेस्ड होगा, प्री पेड होगा और रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा भेजा जाएगा। जहां पे किसी भी एक्ट में अगर लिखा हुआ है कि डॉक्यूमेंट इज टू बी सर्व्ड बाय पोस्ट, सर्व्ड बाय पोस्ट से आप क्या प्री अज्यूम करोगे, क्या प्रिजम्पशन लाओगे कि नोटिस प्रॉपरली एड्रेस्ड हो, प्री पेड हो और पोस्टेड कैसा हो, रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा पोस्टेड हो। ठीक है, वेर एनी डॉक्यूमेंट इज टू बी सर्व्ड बाय पोस्ट, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट पोस्ट द्वारा जाएगा, सर्व्ड बाय पोस्ट का मतलब क्या होता है, वो डॉक्यूमेंट प्रॉपरली एड्रेस्ड होगा, प्रीपेड होगा और रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा जाएगा। इसके ऊपर एक बहुत फेमस केस लॉ है, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक वर्सेस भीमसेन मखेजा। इस केस लॉ को बेटा पढ़ के जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू, अगर मान लो लॉ में लिखा हुआ है कि एक नोटिस को आपको रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू द्वारा भेजना है और उसे आपने रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा ही भेजा, मतलब ये, तो कहता है ये जो प्रोटेक्शन है इस प्रेजम्पशन का रिगार्डिंग सर्विस ऑफ नोटिस अंडर रजिस्टर्ड पोस्ट अंडर दिस सेक्शन इज नीदर टेनेबल नॉट बेस्ड ऑन द साउंड एक्सपोजिशन ऑफ लॉ, मतलब सर्व्ड बाय सर्विस बाय पोस्ट का मतलब होता है आप इन तीन चीजों को क्या करें, प्रिज्यूम करें, लेकिन अगर लिखा हुआ है आप रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू द्वारा भेजे, तो फिर ये जो प्रोटेक्शन है ना इस प्रेजम्पशन का, ये जो प्रोटेक्शन है कि आप प्रिज्यूम कर लो कि डॉक्यूमेंट प्रॉपरली एड्रेस्ड हो और डॉक्यूमेंट प्रीपेड हो और रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा जाए, ये जो प्रोटेक्शन है प्रेजम्पशन का वो अवेलेबल नहीं होगा, इज नीदर टेनेबल नॉर बेस्ड ऑन द साउंड एक्सपोजिशन ऑफ लॉ, वो आपको प्रेजम्पशन नहीं मिलेगा। इसके ऊपर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपकी बुक में जो दिया हुआ है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्विस बाय पोस्ट, जीसी एक्ट के हिसाब से सर्विस बाय पोस्ट का मतलब क्या होता है, क्या रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू से भी हम यही प्रेजम्पशन ड्रॉ कर सकते हैं क्या? तो ये कह रहा है एज पर सेक्शन 27 ऑफ द जनरल क्लॉजेस एक्ट, वेर एनी लॉ, अगर कोई भी लॉ रिक्वायर करता है कि एक डॉक्यूमेंट सर्व्ड बाय पोस्ट हो, तो फिर हम क्या मानते हैं, सर्व्ड बाय पोस्ट मतलब ये तीन चीज हम प्रेज्यूम करते हैं, लेकिन अगर कहीं स्पेसिफिकली लिखा हुआ है रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू, तो हम ये चीजें प्रिज्यूम नहीं करते। कहता है यहां पे देखो केस लॉ का रेफरेंस दिया हुआ है, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक वर्सेस भीमसेन मखीजा। अगर एक नोटिस रिक्वायर किया गया है कि रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू द्वारा ही भेजा जाए और उसे आप अगर रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा भेजते हो, तो ये जो प्रोटेक्शन है प्रेजम्पशन का कि वो प्रॉपरली एड्रेस्ड हो, रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा भेजा जाए, कहता है ये प्रोटेक्शन जो है, ये जो प्रोटेक्शन है प्रेजम्पशन का, वो इट्स नीदर टेनेबल नॉट बेस्ड ऑन द साउंड एक्सपोजिशन ऑफ लॉ, सर्व्ड बाय पोस्ट का मतलब ये होता है, रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू का मतलब ये नहीं होता। सारे बच्चे समझ में आ गया? ओके,
फ्रॉम वेयर कैन वी गेट योर नोट्स मैडम? स्टडी मैट रेफर कर ले बेटा। यहां पे लिखो, लिखा हुआ भी है एक चीज, अगर लॉ रिक्वायर करता है कि एक नोटिस को रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा, एक्नॉलेजमेंट ड्यू द्वारा भेजा जाए, पर अगर आप उस नोटिस को सिर्फ रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा भेजते हो तो इट विल नॉट बी द कंप्लायंस ऑफ द रूल, तो वो उस लॉ का, रूल का कंप्लायंस माना नहीं जाएगा। सर्व्ड बाय पोस्ट का मतलब ये होता है, पर अगर कहीं पे रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू है तो उसका मतलब ये नहीं होता। अगर आप उसे सर्व बाय पोस्ट करोगे, सीधा रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा भेज दोगे, तो ये लॉ का कंप्लायंस माना नहीं जाएगा। ठीक है, ओके सारे बच्चे, आई होप आपको बढ़िया तरीके से ये सेक्शन समझ में आए। मिसलेनियस में एकाद ये जो छोटे छोटे वन लाइनर्स हैं, इसे आप पढ़ लेंगे। बाकी और भी कुछ डेफिनेशन है बेटा इस चैप्टर में, जिसमें एक डेफिनेशन तो काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि प्रिलिमिनरी में कुछ डेफिनेशंस दी हुई है, बहुत इजी डेफिनेशंस है, उसे एक बार रीड कर लेना। सेंट्रल गवर्नमेंट की डेफिनेशन अच्छी है, उसे एक बार रीड कर लेना। बाकी आपका मैंने पूरा का पूरा जनरल क्लॉजेस एक्ट कवर करवा दिया है। आई होप आपको इस सेशन में मजा आया हो, आई होप आपको इस सेशन से काफी बेनिफिट मिला हो, आई होप इस सेक्शन को आप इस सेशन को रेफर करके सेक्शंस को रिवाइज कर सके। ठीक है, चलिए, ऑल राइट बेटा जी, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, पढ़ते रहिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, हमें ढेर सारा प्यार की दीजिए, और आई होप कि हम आपको हेल्प कर पा रहे हैं आपके एग्जाम्स के समय पे। चलिए बेटा जी, हैव अ गुड डे, इस वीडियो को लाइक करना और अपने उन सारे दोस्तों के साथ शेयर करना जिन्हें जनरल क्लॉजेस एक्ट समझ में नहीं आता। ठीक है, चलिए, बाय बाय, हैव अ गुड डे, सी यू बेटा जी।